तो हेलो दोस्तों, आई एम रुपेश जैन फ्रॉम नाटा प्रोफेशनल क्लासेस रायपुर, और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बिजनेस स्टडीज़ के सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। एज बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इस बार का सैम्पल पेपर थोड़ा ट्रिकी लग रहा है और मार्क्स का सिस्टम भी थोड़ा चेंज हुआ है, तो क्यों ना आप एक सॉल्व करके वीडियो डाल दें, तो हम लोग घर में बैठकर भी उस वीडियो को देख करके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ बच्चों, अगर लास्ट तक इस वीडियो में आप बने रहे और पूरे क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कर लिए, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना बिजनेस स्टडीज का पेपर 2019-20 जो सीबीएसई ने भेजा है हमारे लिए। 80 मार्क्स का ये पेपर है और मुझे ऐसा लगता है इस बार इस पेपर को सॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज मार्क्स का सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ है। लास्ट ईयर तक 1 मार्क्स के सिर्फ 8 क्वेश्चन आते थे, इस बार उन्होंने 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन कर दिए हैं, यानी बच्चों पूरी तरीके से 1 मार्क्स के क्वेश्चन में डबल से भी ज़्यादा अब क्वेश्चन आएंगे, 8 से सीधा 20 कर दिया गया है। और 4 नंबर के क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन आया करते थे वो अब सिर्फ 3 क्वेश्चन आएंगे। एक्चुअली उन्होंने उधर का जो 12 मार्क्स थे वो 1 मार्क्स वाले में शिफ्ट कर दिए हैं। सो चलिए दोस्तों सॉल्व करना शुरू करते हैं हमारा आज का ये 2019-20 का बिजनेस स्टडीज का सैंपल पेपर क्लास 12 कॉमर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड आर्ट, बोथ साइंस एंड आर्ट नीदर। ये पेपर मैंने ऑलरेडी अपने कुछ बच्चों से सॉल्व करवाया हुआ है और उन बच्चों ने जो गलती की है वो गलती मैं पहले आपको बता दूं। कुछ बच्चों ने ये लिखा था मैनेजमेंट इज एन आर्ट, और कैसे सोचा था उन लोगों ने, मैनेजमेंट एग्जैक्टली आर्ट है ये हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, तो बच्चों ने सोचा मैनेजमेंट एग्जैक्टली आर्ट है, जबकि साइंस एग्जैक्टली नहीं है, इनएग्जैक्ट है। एज साइंस मैनेजमेंट में साइंस के कुछ फीचर्स हैं कुछ नहीं है, तो बच्चों को लगा एग्जैक्टली आर्ट है तो हम लोग मैनेजमेंट एज एन आर्ट टिक करके आएंगे। बट ये आंसर गलत है क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली वर्ड नहीं डाला है क्वेश्चन में, उन्होंने पूछा है मैनेजमेंट इज, तो हम लिखेंगे बोथ साइंस एंड आर्ट, एज मैनेजमेंट में साइंस और आर्ट दोनों के फीचर्स हैं। क्लियर है दोस्तों, तो इसका आंसर एन आर्ट नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर टू जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखते ही स्टूडेंट्स का थोड़ा सा वो घबराने लगते हैं एज उनको लगता है सॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो एक आइडिया दूंगा बच्चों आप लोगों को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम रिक्वायरमेंट, पहले नीड, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो पहले पढ़ लेंगे ना आप, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन से चैप्टर से या कौन से टॉपिक का क्वेश्चन होगा, एक आइडिया लग जाएगा, तो केस स्टडी पढ़ते पढ़ते आप उस टॉपिक को ढूंढेंगे। तो रिक्वायरमेंट लाइन नंबर 4 में है, नेम वर्ड से नेम द कंसेप्ट, नेम द कंसेप्ट, उन्होंने एक कंसेप्ट पूछा है तो थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, एज कंसेप्ट मीन्स एनी कंसेप्ट फ्रॉम चैप्टर 1 अप टू चैप्टर नंबर 12। अगर ये ही क्वेश्चन में लिखा रहता है नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू, एज फंक्शन में सिर्फ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग है, कोई बात नहीं, देखते हैं। नेम द कंसेप्ट विच विल बी रिक्वायर्ड बाई द CEO मिस्टर रमन टू रिकनसाइल द डिफरेंसेज। ऐसे कीवर्ड्स आपको ढूंढने चाहिए केस स्टडी में जो किसी कंसेप्ट में हो, रिकनसाइल द डिफरेंसेज, ये जो लाइन है, ये जो कीवर्ड्स हैं, ये मैंने चैप्टर 1 नंबर 1 का लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन में देखा है कि जब मैनेजर्स के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं तो उनको रिकनसाइल करना पड़ता है। रिकनसाइल द डिफरेंसेस का आंसर मुझे कोऑर्डिनेशन लग रहा है, लेकिन अभी हमने केस स्टडी पढ़ा नहीं है तो श्योर नहीं हो सकते, एक बार पूरा केस स्टडी पढ़ लेते हैं। द परचेज प्रोडक्शन एंड सेल्स मैनेजर, द परचेज प्रोडक्शन एंड सेल्स मैनेजर एट शारदा लिमिटेड अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड गारमेंट्स आर जनरली एट अ कॉन्फ्लिक्ट, जनरली एट अ कॉन्फ्लिक्ट। देखिए फिर से वो कीवर्ड आ गया जो कोऑर्डिनेशन में है, जब अलग अलग मैनेजर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है, एज दे हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव, एज देयर हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव यूजुअली ईच थिंग्स दैट ओनली दे आर क्वालिफाइड टू इवैल्यूएट, जज एंड डिसाइड ऑन एनी मैटर। देखिए यहाँ पर एकदम क्लियर है कि मैनेजर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, डिफरेंसेस है, और उनको रिकनसाइल करने के लिए पहले जो हमने आंसर सोचा था वो ही आंसर सही है, कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स वर्ड पढ़ते ही मुझे चैप्टर नंबर 2 याद आता है और पूछा गया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट,
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, क्या नहीं है पूछा गया, याद रखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, एज आज तक आपसे पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका नाम क्या है, अभी तक ऐसा नहीं पूछा जाता आपका नाम क्या नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्या नहीं है पूछ रहा है, तो आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा, क्या नहीं है ये ढूंढना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेबल ओनली इन लार्ज फर्म, ये मुझे आंसर सही लग रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ लार्ज फर्म में नहीं, स्मॉल फर्म में, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, हर जगह अप्लाई होते हैं, यूनिवर्सल है, परवेसिव है, तो मुझे ये आंसर सही लग रहा है, लेकिन मैं टिक नहीं करूंगा, एज हो सकता है बी सी और डी तीनों ही सही हो, और डी ऑप्शन, बी और सी भी सही हो, और डी ऑप्शन दिया हो ऑल ऑफ द अबव, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, ये सही है, जबकि पूछा क्या है क्या सही नहीं है, फ्लेक्सिबल भी सही है, कंटिजेंट भी सही है, कुल मिला के ऑप्शन ए ही है जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर ब्लैंक स्पेस वाला है, ब्लैंक स्पेस इज कंसिडर्ड मेजर एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ओके, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पढ़ते ही मुझे चैप्टर नंबर थ्री याद आ जाता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, उसमें इन्वायरमेंट का एक कंपोनेंट है, और पूछा गया है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का एलिमेंट कौन सा है इन ऑप्शंस में से। चलिए, जैसे ही पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पढ़ूँ मुझे गवर्नमेंट वर्ड ढूंढना चाहिए, वो कीवर्ड है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का। ऑप्शन नंबर ए, द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, यानी हमारी गवर्नमेंट का बिजनेस में कितना इंटरफेरेंस रहता है, एक्सटेंट एंड नेचर कितना और किस टाइप का, तो ये मुझे आंसर सही लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं जल्दबाजी में टिक अभी नहीं करूंगा, एज हो सकता है ऑप्शन बी सी भी सही हो और ऑप्शन नंबर डी में दिया हो ऑल ऑफ द अबव, दैट्स व्हाई हमको पूरा क्वेश्चन रीड कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है प्लैंड आउटले इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ये तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। और फिर ऑप्शन नंबर सी है एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वर्क फोर्स, ये भी पॉलिटिकल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाई गवर्नमेंट अथॉरिटीज, यहां पर गवर्नमेंट वर्ड डाल दिया गया है, अब आप ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में कंफ्यूज हो जाएंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगता है बच्चों को कि ये इजी होगा, ऐसे चार चार ऑप्शंस दिए होंगे, हमको हमारा सही आंसर रिकॉल हो जाएगा, लेकिन वो आपको दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस में कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर कंफ्यूज किया भी गया है, ऑप्शन ए और डी दोनों में गवर्नमेंट वर्ड यूज़ कर दिया गया है और ये की वर्ड है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाई गवर्नमेंट, और ये लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है, जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज कोई ऑर्डर पास करते हैं तो वो लीगल इन्वायरमेंट में चला जाता है, दैट्स वाई योर आंसर विल बी द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस ऑप्शन नंबर ए। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव, नेम द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, चैप्टर नंबर फोर प्लानिंग प्रोसेस, उसका एक स्टेप पूछ रहा है विच इज कंसिडर्ड द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, जहां पर आप डिसीजन लेते हैं। ओके, क्या क्या स्टेप्स थे, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रिमाइसिस, लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवेल्युएशन ऑफ ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव, एंड ऑप्शन स्टेप नंबर फाइव था सेलेक्शन ऑफ एन ऑल्टरनेटिव, जहां आप एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हो, यानी यहीं पर आप डिसीजन लेते हो, बहुत सारे ऑप्शंस में से एक आप सेलेक्ट करते हो, तो सेलेक्शन ऑफ एन ऑल्टरनेटिव विल बी राइट आंसर, स्टेप नंबर फाइव इन प्लानिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ब्लैंक ब्लैंक स्पेस वाला क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस गिव शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर फाइव फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है, तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को शेप प्रोवाइड करता है, एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन, यानी एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कितनी चीजें डेलीगेट करता है, इससे कोई शेपिंग नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये मुझे सही आंसर लग रहा है, एज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल मैनेजर इज कॉल्ड हिज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, और उसके स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में कितने लोग रहेंगे, इससे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, तो मुझे ऑप्शन बी सही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन सी और डी भी एक बार पढ़ लेते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय और डी प्लानिंग, इससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का कोई शेप डिसाइड नहीं होता, दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेवन,
ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है, तो फिर से रिक्वायरमेंट से पढ़ेंगे। ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, लेकिन उसके पहले रिक्वायरमेंट है द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। स्टाफिंग में सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आपने पढ़ा है इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, और इंटरनल के अंदर ट्रांसफर प्रमोशन, एक्सटर्नल के अंदर बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो केस स्टडी है एस्ट्रा बिल्डर हैज टू डिलीवर द फ्लैट्स टू इट्स बायर्स ऑन टाइम, ड्यू टू दिस देयर इज अ सडन रश ऑफ वर्क, यानी काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, देयर फोर द कंपनी नीड्स टू अरेंज वर्कर टू वर्क एट द साइट एट अ शॉर्ट नोटिस, यानी वर्कर चाहिए जल्दी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, शॉर्ट नोटिस में वर्कर चाहिए। द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट विच मे बी यूज बाय द कंपनी टू टैप द कैजुअल वैकेंसी, कौन से सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से शॉर्ट नोटिस में आपको वर्कर्स मिल जाएंगे। यहाँ वर्कर और शॉर्ट नोटिस ये कीवर्ड है। वर्कर को बुलाने का दो तरीका होता है, एक जॉबर्स या लेबर कॉन्ट्रैक्टर हमने पढ़ा था, और दूसरा ऑप्शन होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, वर्कर्स के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये दो में से कोई एक ऑप्शन अपन ढूंढेंगे। जॉबर्स या लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो बुलाते हैं वर्कर्स को, उसमें टाइम लग जाता है, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हमारे कम टाइम में वर्कर्स की नीड को पूरा कर लेते हैं। तो हम ढूंढेंगे ऑप्शंस में, यस ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ऑप्शन बी एडवर्टाइजमेंट, ऑब्वियसली टाइम लगेगा और वर्कर्स के लिए जनरली लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं देते हैं, रिकमेंडेशन फ्रॉम एम्प्लॉय इसमें भी टाइम लग जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तो वैसे भी स्किल्ड एम्प्लॉयज के लिए होता है, वर्कर्स के लिए नहीं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ओके, 7 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, हम सारे क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क्स के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इवन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को हम प्रॉपरली पढ़ करके सॉल्व करेंगे, आपको बहुत सारे कंसेप्ट साथ साथ में क्लियर हो जाएंगे, और आप इस वीडियो के जरिए सैम्पल पेपर का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, जिसमें मैंने खुद अपने हाथों से ये वाला पेपर पूरा सॉल्व किया है। उस पेपर को देख करके कैसे पेपर को प्रेजेंट करना, कैसे सिस्टमेटिकली लिखना, कैसे हेडिंग्स को लिखना, कैसे हाईलाइट करना, ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक जरूर देख लीजिएगा बच्चों, जहां पर मैंने अपने हाथों से वो पेपर बनाया हुआ है, आपको समझ आ जाएगा। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, एस सी टी सर्विसेज का जो सीईओ है राजन गोपीनाथ, कंपनसेशन इंक्लूड्स, उसको जो सैलरी दी जाती है, रेमुनरेशन दिया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है उसके काम के बदले, उसके अंदर है सैलरी, कमीशन एंड अदर अलाउंसेस। द कंपनी ऑल्सो पेज सैलरी, कमीशन और अदर अलाउंसेस के अलावा कंपनी उसका इंश्योरेंस और वैकेशन के लिए भी पे करती है। आइडेंटिफाई वन इनडायरेक्ट पेमेंट बीइंग मेड, सैलरी, कमीशन, अलाउंसेस, इंश्योरेंस, वैकेशन, इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट है बीइंग मेड बाय द कंपनी टू द सीईओ। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है एम्प्लॉयर्स पेड इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी सैलरी, ऑप्शन नंबर सी कमीशन, ऑप्शन नंबर डी अलाउंसेस। सैलरी, कमीशन और अलाउंसेस तो डायरेक्ट पेमेंट है, और क्वेश्चन में पूछा गया इनडायरेक्ट, एम्प्लॉयर पेड इंश्योरेंस जो है वो इनडायरेक्ट पेमेंट है, एज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, यानी डायरेक्टली कंपनी को पे कर देता है, एम्प्लॉय को नहीं देता, तो एम्प्लॉय के लिए वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट पेमेंट, दैट्स वाई इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, एट support.com देयर इज नो रिवॉर्ड और एप्रिसिएशन फॉर गुड सजेशन, देयर इज नो रिवॉर्ड और एप्रिसिएशन फॉर अ गुड सजेशन, यानी कि इंप्लॉयज सबऑर्डिनेट जब मैनेजर को कोई सजेशन देते हैं तो उनको कोई रिवॉर्ड, कोई एप्रिसिएशन नहीं दिया जाता, गलत बात है ये। दस द सबऑर्डिनेट्स आर नॉट विलिंग टू ऑफर एनी यूजफुल सजेशन, अब वर्कर्स को उनके जो भी वो लोग सजेशन दे रहे हैं उसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो उनका भी अब मन नहीं होता कि नहीं अब कोई भी सजेशन नहीं देंगे, हमारे पास आइडिया है तो भी नहीं बताएंगे क्योंकि हमको तो कोई रिवॉर्ड मिलता नहीं है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन वर्कर्स क्या है, अब आइडिया भी आ रहा है तो भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ये बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, और हमने पढ़ा हुआ है साइकोलॉजिकल बैरियर जो इस ऑप्शन में है, देन हमने पढ़ा था साइकोलॉजिकल बैरियर, सेमेंटिक बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और पर्सनल बैरियर। ये वाला जो है जहां पर सबऑर्डिनेट्स कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, क्यों, क्योंकि उनके इनिशिएटिव, उनके सजेशंस को रिवॉर्ड नहीं दिया जा रहा है, ये हमने पढ़ा है पर्सनल बैरियर के अंदर लैक ऑफ इंसेंटिव्स, जहां पर सुपीरियर जो है वो सबऑर्डिनेट्स को उनके यूजफुल सजेशंस के लिए इंसेंटिव्स नहीं दे रहे हैं, दैट्स वाई जो सेंडर ऑफ मैसेज है वो पर्सनली ये फील नहीं करता कि मेरे पास जो आइडिया है वो बताना चाहिए, दैट इज
that comes under personal barriers. Okay, moving on to question number 10. M. R. Sarthi, the ex-chairman of Swadesh Limited, build up his successor before retiring. M. R. Sarthi है, जो ex-chairperson है, वो अपने successor को काम दे रहा है. Following the norms set up by himself, he handed over the reins of the company to the co-founder, Mr. Shravan. अपने co-founder को सारा काम उसने सौंप दिया. Who had the potential to bring out change in the behavior of others. Change in the behavior of others. Name the concept of management which was the reason why Mr. Sarthi chose Mr. Shravan to be his successor. उसके co-founder में ऐसी कौन सी quality थी जिसके कारण Mr. M.R. Sarthi ने उनको कंपनी का सारा काम धाम सौंप दिया. तो उनके अंदर क्वालिटी थी दूसरों के बिहेवियर को चेंज करना. जब एक बंदा दूसरों के बिहेवियर को चेंज कर देता है तो उसमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है. मोटिवेशन इसका आंसर नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन में आप अपने आप के बिहेवियर को चेंज करते हैं. दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है लीडरशिप. ओके, सो वी आर मूविंग टू 11th क्वेश्चन. ये भी 1 मार्क का है, याद रखिएगा दोस्तों. शुरू के 20 क्वेश्चंस आपके 1-1 मार्क के हैं. एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट एट एएमबी कंसल्टेंट इज रनिंग बिहाइंड शेड्यूल बाय अ मंथ. यानी जैसा शेड्यूल किया था उससे एक महीने पीछे चल रहे हैं हम लोग. दिस हैज अपसेट देयर क्लाइंट्स. ऑब्वियसली क्लाइंट्स नाराज हो गए होंगे. एंड माइट अफेक्ट द रेपुटेशन, जिससे कंपनी की रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी लॉन्ग रन में. नो मैनेजरियल एक्शन लाइक असाइनिंग मोर वर्कर इक्विपमेंट और गिविंग ओवर टाइम हैज बीन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. चाहे ज्यादा वर्कर्स रख दिया, नई मशीनरी ले आई, ओवर टाइम करवाया, कोई भी तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी. वॉट मैनेजरियल एक्शन में नाउ बी टेकन बाय द कंपनी टू अवॉइड सच अ सिचुएशन फ्रॉम अराइजिंग इन द फ्यूचर. ऑप्शन ए रिवाइज द शेड्यूल, शेड्यूल को ही रिवाइज कर दो. ऑप्शन नंबर बी असाइनिंग एडिशनल वर्कर्स एंड इक्विपमेंट टू द प्रोजेक्ट. ऑप्शन नंबर सी गेट परमिशन फॉर फर्दर ओवर टाइम वर्क. डी बोथ बी एंड सी. इसमें आपको बुक की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई भी मैनेजरियल एक्शन, चाहे वो वर्कर्स को ज़्यादा काम देना हो, चाहे नए इक्विपमेंट्स लाने हो, चाहे ओवर टाइम करवाना हो, वो वर्क नहीं कर रहा है. यानी ऑप्शन नंबर ए रिवाइज द शेड्यूल, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है नए इक्विपमेंट या वर्कर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये काम नहीं कर रहा है. ऑप्शन नंबर सी में दिया गेट परमिशन फॉर ओवर टाइम, क्वेश्चन में ही दिया है ओवर टाइम भी काम नहीं कर रहा है, तो आपको शेड्यूल ही रिवाइज करना पड़ेगा. दैट इज ऑप्शन नंबर ए रिवाइज द शेड्यूल. क्वेश्चन नंबर 12. A decision to acquire new and modern plant का मतलब होता है जो पुराना प्लांट होगा, जो शायद अब obsolete हो गया होगा, outdated हो गया होगा, उसको हटाएंगे और उसकी जगह new machinery लेकर आएंगे. To upgrade an old one is known as. पुरानी मशीनरी को हटा करके नई मशीनरी लाना, ये ब्लैंक स्पेस कौन सा डिसीजन है? क्या फाइनेंसिंग डिसीजन है? क्या हम पैसे ला रहे हैं? नो. क्या ये वर्किंग कैपिटल डिसीजन है? नो. एज हम लोग मशीनरी खरीद रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है क्या? ये मुझे आंसर लग रहा है, लेकिन अभी डी भी पढ़ लेते हैं. डिविडेंड डिसीजन तो हो ही नहीं सकता. हम नई पुरानी मशीनरी हटा करके नई मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ABC Limited has debt equity ratio 3:1, whereas XYZ Limited has debt equity ratio 1:1. इसको समझेंगे. ABC Limited के पास जो borrowed fund है वो owners fund का तीन गुना है. यानी मान लीजिए अगर 10 रुपये खुद के हैं तो 30 रुपये मार्केट से बोरो करके 40 रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं, और यहाँ पर ओनर्स फंड और बोरोड फंड का रेशियो बराबर है. यानी कि अगर 10 रुपये हमने घर से लगाया है तो 10 रुपये हमने बोरो किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है. नेम द एडवांटेज एबीसी लिमिटेड विल हैव ओवर एक्सवाईजेड लिमिटेड व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर देन. यानी आपको बोरोड फंड पर इंटरेस्ट कम देना है, लेकिन आपको बिजनेस से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है. यानी बिजनेस से आप कमा ज़्यादा रहे हो, लेकिन आपका जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, वो आपको कम लग रहा है. मान लीजिए आप बिजनेस से कमाते हो
बिजनेस से कमाते हो आप 10 रुपए और आपको ब्याज देना होता है 5 रुपए, तो ये जो बचे हुए 5 रुपए हैं ये किसके हो जाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर के। तो ये अच्छा माना जाता है जब इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कम हो, तो बोरोड फंड ज्यादा और ओनर्स फंड कम होना अच्छा माना जाता है। तो यहाँ एबीसी लिमिटेड XYZ लिमिटेड के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे पोजीशन में है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हो रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? क्वेश्चन नंबर 14, विक्रांत ज्वाइंस हिज फादर्स बिजनेस ऑफ ऑर्गेनिक मसालास नियर कोटगढ़ इन हिमाचल आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीए। एमबीए कंप्लीट करने के बाद अपने फादर का जो भी बिजनेस है वो उसने ज्वाइन कर लिया। इन ऑर्डर टू कैप्चर अ मेजर शेयर ऑफ द मार्केट ही डिसाइडेड टू सेल द प्रोडक्ट इन स्मॉल अट्रैक्टिव पैकेजेस बाय यूजिंग द लेटेस्ट पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। अब इस केस स्टडी को पढ़ के पैकेजिंग वर्ड आया है, तो हम चैप्टर नंबर 12 में एक बार चले गए हैं, लेकिन अभी श्योर नहीं होना है, पूरा केस स्टडी पढ़ लेना है। हिज फादर सजेस्टेड दैट दे हायर फाइनेंशियल कंसल्टेंट टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ फंड दैट वुड बी। अब उसके पापा बिजनेस में एक्सपीरियंस था, तो उसने अपने बेटे को सजेशन दिया कि हम एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट को हायर कर लेते हैं जो एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ फंड दैट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस एंड टाइमिंग, यानी किस काम के लिए कब और कितना पैसा लगेगा, व्हेन इट वुड बी रिक्वायर्ड, द कंसेप्ट बीइंग डिस्कस्ड बाय विक्रांत फादर। कब और कितना पैसा लगेगा ये जो डिसाइड करते हैं इसको फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। यानी विक्रांत के फादर ने जो कंसेप्ट डिस्कस किया है वो है द कंसेप्ट बीइंग डिस्कस्ड बाय विक्रांत फादर लिंक्स विथ फाइनेंशियल डिसीजन विथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखिए इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है, मेरे ज़्यादातर बच्चों ने इसका आंसर टिक किया था फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि विक्रांत के फादर ने जो कंसेप्ट डिस्कस किया है वो फाइनेंशियल प्लानिंग ही है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि विक्रांत के फादर ने क्या डिस्कस किया। उन्होंने पूछा है विक्रांत के फादर ने जो डिस्कस किया है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को किस डिसीजन के साथ लिंक किया जाता है। तो इसके एक इंपॉर्टेंस में हमने पढ़ा है फाइनेंशियल प्लानिंग लिंक्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन विथ फाइनेंसिंग डिसीजन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, क्योंकि एक्चुअली इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल प्लानिंग ही डिस्कस किया गया है, लेकिन पूछा नहीं गया है कि कौन सा कंसेप्ट डिस्कस किया गया है। पूछा गया है जो कंसेप्ट डिस्कस किया गया है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ किस डिसीजन को लिंक किया जाता है, तो इसका आंसर है फाइनेंसिंग डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने कर लिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है, एज बड़ा क्वेश्चन है तो रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। विच फंक्शन ऑफ सेबी कैन कंट्रोल सच मैल प्रैक्टिसेस, यानी कि कुछ गड़बड़ हो रही है किसी कंपनी में और सेबी का काम ही होता है गड़बड़ियों को ठीक करना, कंट्रोल करना। अब सेबी का कौन सा फंक्शन इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकता है? तो सेबी के कुल मिला के 3 फंक्शन है और वो 3 ही ऑप्शन में दिए हुए हैं, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी, डेवलपमेंटल और ऑल ऑफ द अबव। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। राघव्स फ्रेंड रमन वर्क्स एज चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सॉल्यूशन लिमिटेड। रमन इन अ मीटिंग विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी केम टू नो दैट द फर्म वुड सून बी डिक्लेयरिंग अ बोनस इशू। उस मीटिंग में वो बैठा हुआ था और उसको पता चल गया कंपनी बोनस शेयर इशू करने वाली है, विच वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शेयर। कंसिडरिंग दिस रमन एडवाइज राघव टू परचेज द शेयर ऑफ सॉल्यूशन लिमिटेड हु ऑन हिज एडवाइस एंड बॉट द शेयर्स बिफोर टाइम। उसको कुछ इंफॉर्मेशन मिला जो बाहर वालों को नहीं था। मिस्टर रमन इज इनसाइडर और उसने इनसाइड के न्यूज की हेल्प लेके अपने फ्रेंड को बोल दिया शेयर लेने, जो गलत है, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस है, और इससे बचाने के लिए सेबी प्रोटेक्ट फंक्शन करती है। अगर आप प्रोटेक्टिव फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें चेक ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग एक हेडिंग है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना सेबी का प्रोटेक्टिव फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्टिव फंक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 16,
large scale production done to reduce the average cost of production. जब आप अपना scale of operation बड़ा करते हैं तो आपको economies of scale का benefit मिलता है. economies of scale का मतलब होता है scale of operation बढ़ाइए, per unit cost reduce होते जाती है. ठीक है. average cost of production is the essence of blank space concept of marketing management. concept means philosophies. marketing management की 5 philosophies हैं, production, product, selling, marketing and societal. जहां पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस की जाती है प्रोडक्शन, तो इस कंसेप्ट का नाम ही है प्रोडक्शन. बहुत इजी क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 17, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द एलिमेंट, रिक्वायरमेंट से पढ़ रहे हैं. आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स के कुल मिला के 4 तो एलिमेंट हैं, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. इन चार में से कोई एक इसका आंसर है. और इसके ऑप्शंस में क्या क्या दिए हुए हैं, प्रमोशन, मार्केट, प्रोडक्ट, प्लेस. मार्केट तो हो ही नहीं सकता, 4 पीज ही हैं, बट कंफ्यूजन अगर होगा तो प्रमोशन, प्रोडक्ट और प्लेस के बीच में है. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन है, सौम्या डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग ड्रेस मटेरियल फ्रॉम हर हाउस. सी डिड वेरियस ऑनलाइन सर्वे टू फाइंड आउट अबाउट द प्रेफरेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स. बेस्ड ऑन दिस सी प्रिपेयर्ड अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द बिजनेस. सी देन मेड इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इंक्लूडिंग डिसाइडिंग अबाउट द फीचर, क्वालिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग ऑफ द ड्रेस मटेरियल. ये सारा का सारा प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर हमने, प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर हमने पढ़ा हुआ है. और इवन प्रोडक्ट के जब कंपोनेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें पैकेजिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग ही दिया हुआ है. दैट मीन्स 4 पीज में से ये वाला जो केस स्टडी है वो प्रोडक्ट को हाईलाइट करता है. क्वेश्चन नंबर 18, टोमेटो लिमिटेड अ फूड डिलीवरी सर्विस ऐप. सॉरी, ये क्वेश्चन केस स्टडी है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम रिक्वायरमेंट. विच कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग डिस्कस्ड अबव. मार्केटिंग का कौन सा कंसेप्ट, तो थोड़ा ईजी हो जाता है. चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोई कंसेप्ट होगा. तो हम दिमाग से चैप्टर नंबर 1 से लेके 10 और चैप्टर 12 निकाल देंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसमें फोकस करेंगे चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट. फिर से स्टार्ट कर रहे हैं. Tomato Limited, a food delivery service app, has recently faced criticism for the tampering of their product by their delivery boys. एक कंपनी है जो फूड डिलीवरी करती है और जो उनके डिलीवरी बॉयज हैं वो ही फूड में कुछ टैम्परिंग कर देते हैं. Tomato Limited decided to put a hologram seal on the food packets in order to protect the content from spoilage, leakage, pilferage, damage, along with a tag with a safety warning for the customer to check the seal. Okay, ये informative part है. एक बार आपको जरूर लग सकता है कि उसकी packaging ठीक की जा रही है, लेकिन packet में जो informative part होता है वो packaging नहीं होता, वो labeling होता है. इसमें options हैं. Which concept of marketing discussed above is performing the important function of communicating. Communicate करना यानी अपने buyer को कुछ बताना, बताना यानी information देना with the potential buyer and promoting the sale. Branding, product designing and development, labeling. Labeling is the right answer as पैकेजिंग के इंफॉर्मेटिव पार्ट जिससे हम प्रोस्पेक्टिव बायर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं उसे लेबलिंग बोला जाता है. 1 mark का 19th क्वेश्चन. असर्टिंग वन सेल्फ टू एंश्योर दैट वन गेट्स अ फेयर डील इज द राइट ऑफ अ कंज्यूमर. ट्रू और फॉल्स. हमने राइट ऑफ कंज्यूमर सीधी सीधी 6 लिस्ट में 6 नाम है जो एक्सक्लूसिव लिस्ट है. एक्सक्लूसिव लिस्ट का मतलब है उसके अलावा और कोई राइट्स नहीं है. राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सेफ्टी, राइट टू मेक चॉइसेस, राइट टू सीक्रेट रिसेल, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू रिप्रेजेंट. ये 6 आपके राइट्स हैं और यहाँ पर उन 6 में से कोई भी नहीं दिया हुआ है. दैट मीन्स ये फॉल्स है. राइट ऑफ अ कंज्यूमर नहीं है, वन गेट्स अ फेयर डील. ओके, लास्ट क्वेश्चन. सीला वेंट टू अ फ्री आई कैंप एंड गॉट हर आईज ऑपरेटेड फॉर कैटरेक्ट. द सर्जरी वॉज नॉट डन प्रॉपरली.
due to which she lost her vision. Where can she file a complaint under Consumer Protection Act? Okay, Consumer Protection Act में तीन जगहें होती है जहां पर अपन केस फाइल कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ द अबव. हमने पढ़ा हुआ है 20 लाख तक का अगर बिल है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हैं, 20 लाख से ऊपर अप टू 1 करोड़ रुपीस आप स्टेट कमीशन में जाते हैं, और मोर देन 1 करोड़ होने पर आप नेशनल कमीशन में जाते हैं. लेकिन यहां पर तो बिल का अमाउंट दिया ही नहीं है, तो सर आई चेकअप 20 लाख तक तो नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट फोरम, जो कि गलत है. फ्री आई कैंप है, फ्री का मतलब पैसा ही नहीं लगा है, और जब आप कोई सर्विस विदाउट कंसिडरेशन एंजॉय करते हैं तो आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में ही नहीं आते हैं, और जब आप कंज्यूमर ही नहीं है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप पर लगता ही नहीं है. दैट्स वाई यू कांट गो टू एनी रिटेल एजेंसी. दैट्स वाई योर आंसर विल बी नन ऑफ द अबव. ये आपके 1 मार्क वाले 20 क्वेश्चंस हो गए, जो लास्ट ईयर तक सिर्फ 8 क्वेश्चंस आते थे और उसमें भी एमसीक्यू नहीं आता था, ट्रू फॉल्स नहीं आता था, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आते थे. इस बार 20 मार्क्स में वो एमसीक्यूज दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स दे सकते हैं, आंसर इन वन वर्ड दे सकते हैं, मैच द फॉलोइंग दे सकते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे सकते हैं. 1 मार्क के 20 क्वेश्चन हम लोगों ने ये सैंपल पेपर में से 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं. नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर बी. आपके एक्चुअली सैंपल पेपर जो एक्चुअली जो पेपर आएगा उसमें 5 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई. सेक्शन ए में 1 मार्क के 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 4 मार्क्स के 3, सेक्शन डी ई में भी 3-3 क्वेश्चन, लेकिन सेक्शन डी में 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस और सेक्शन ई में 6 मार्क के 3 क्वेश्चंस होंगे. ऐसे 80 मार्क्स के आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा. तो अपन सेक्शन बी अब शुरू कर रहे हैं जिसमें 3 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 21 डायरेक्ट क्वेश्चन जैसा दिख रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार. लिस्ट एनी 3 टास्क दैट मिस्टर आर्मस्ट्रांग नीड टू डू एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन हिज फर्म टू कैरी आउट द प्लान्स लेट डाउन बाय द टॉप मैनेजर्स. इसमें इंटरनल चॉइस भी दिया हुआ है, आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन को बाद में देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं. लिस्ट एनी 3 टास्क मिस्टर आर्मस्ट्रांग नीड टू डू एज अ प्रोडक्शन मैनेजर. प्रोडक्शन मैनेजर का मतलब है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और लिखा भी है इन हिज फर्म टू कैरी आउट द प्लान्स लेट डाउन बाय टॉप मैनेजर. यानी ये टॉप मैनेजर नहीं है, टॉप मैनेजर जो प्लान्स बनाता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर क्या क्या टास्क करेगा. यानी आपको कुछ नहीं, चैप्टर नंबर 1 में से मिडिल लेवल मैनेजर्स के फंक्शंस बताने हैं. 3 मार्क के क्वेश्चन है तो आपको 3 हेडिंग्स इसमें लिखने चाहिए, और इसके हेडिंग्स याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है. मैनेजमेंट मैंने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, उनको लिख लीजिए. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. ये ही हिंट है इनके 5 फंक्शंस को याद करने के लिए. प्लानिंग यानी प्लान बनाना, लेकिन मिडिल लेवल मैनेजर प्लान बनाता नहीं है, टॉप लेवल मैनेजर जो प्लान बनाता है उसको लोअर लेवल को इंटरप्रीट करता है, एज लोअर लेवल है जो वर्कर्स से काम करवाता है. एक्चुअली मिडिल लेवल जो है वो टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में लिंक का काम करता है, वो टॉप लेवल से प्लान एंड पॉलिसीज को समझता है और जाकर के लोअर लेवल को बताता है, वो प्लानिंग करता नहीं है. लेकिन प्लानिंग आपके लिए हिंट है फर्स्ट फंक्शन को याद करने के लिए कि वो इंटरप्रीट करता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल टू लोअर लेवल. इज इट क्लियर? देन सेकंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग. तो एक मिडिल लेवल मैनेजर यानी डिपार्टमेंट का हेड, तो डिपार्टमेंट का हेड अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करता है, तो अपन लिखेंगे ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ हिज डिपार्टमेंट. बस इतना लिख देना है,
ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ हिज डिपार्टमेंट। अब अपनी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करेगा तो उस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज भी लगेंगे, दैट इज स्टाफिंग। तो स्टाफिंग इज द हिंट, स्टाफिंग का मतलब होता है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एक्सेट्रा। तो अपन लिखेंगे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड फॉर हिज ओन डिपार्टमेंट। अपने को तीन ही हेडिंग लिखना है। अगर वो डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होता तो आप डायरेक्टिंग में लिखेंगे मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज ऑफ हिज ओन डिपार्टमेंट टू वर्क अप टू देयर बेस्ट एफिशिएंसी एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ हिज डिपार्टमेंट। इट बिकम्स ईजियर टू लर्न द हेडिंग्स बाय दिस हिंट, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, ये था आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। इसको मैंने प्रॉपरली अपने हाथों से लिख करके आपके लिए डाल दिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक बार देख लीजिएगा। इंटरनल चॉइस का सेकंड क्वेश्चन, इनमरेट द 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स में आपने पढ़ा है मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिकल, सोशियल एंड पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। आपको पूछा गया है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे कमाने से रिलेटेड। तो जब बिजनेस ओपन होता है ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस ओपन किया जाता है, लेकिन आप बिजनेस स्टार्ट करते ही प्रॉफिट कमाना शुरू नहीं करते। आप सबसे पहले बस इतना सोचते हैं कि हमारा कॉस्ट रिकवर हो जाए, इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाए कि कॉस्ट रिकवर हो जाए, दैट इज नोन एज सर्वाइवल। फिर जब आप सर्वाइव कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में आप सोचते हैं कि अब मैं प्रॉफिट कमाना शुरू कर दूं। तो अगला जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट। वो आपने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया तो अब आप चाहते हैं कि मेरे नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़े, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़े, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़े, डिपार्टमेंट्स बढ़े। इसी प्रॉफिट को आप बिजनेस में लगा लगा करके अपना कैपिटल बढ़ाते हैं और बिजनेस में ग्रोथ करते हैं, दैट इज थर्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। दीज आर द 3 हेडिंग्स। इसको एक्सप्लेन कर देंगे, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21 और उसका इंटरनल चॉइस। आपको दोनों में से जो ज़्यादा इजी लगेगा, जो आप जल्द अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो वाला क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 22, पहला ही वर्ड है डेलीगेशन। डेलीगेशन हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 5 में। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अनडाउटेबली empowers an employee to act for his superior, but the superior would still be accountable for the outcome. Explain the element of delegation of authority discussed. Delegation of authority के elements बताने हैं। इसमें पहले वाली दो लाइन का कोई खास यूज नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही है कि authority, delegation of authority के आपको कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स या प्रोसेस बताना है। तो आप जब डेलीगेशन शुरू करते हैं तो एक मैनेजर सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नीचे वाले को डेलीगेट करता है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सके उसकी मैचिंग अथॉरिटी भी उसको डेलीगेट करता है, और टाइमली कंप्लीशन हो जाए टास्क का इसके लिए उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है। अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जाती है। ये 3 एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं डेलीगेशन के, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तीनों को एक्सप्लेन करेंगे, बहुत सिंपल है। जब आप डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ 1-2 लाइन उसको एक्सप्लेन करने के बाद उसके फीचर्स लिख देंगे। बहुत सिंपल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के डेलीगेशन में लिखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ जॉब एंड अ सुपीरियर स्टार्ट्स डेलीगेशन बाय डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट। द टास्क मे बी स्किल्ड, अनस्किल्ड, टेक्निकल, मैनेजरियल एटसेट्रा। और फीचर में लिखना है सबसे पहले फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेफिनेशन, इट इज ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ जॉब, इट अराइजेज ड्यू टू सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप एंड इट फ्लोज अपवर्ड। ऐसे ही आपको अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी, बट अकाउंटेबिलिटी में एक खास बात याद रखिएगा, अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं की जा सकती, ये सिर्फ क्रिएट और शेयर की जा सकती है। इसको हाईलाइट करके जरूर लिखिएगा, यही थोड़ा डिफरेंट है डेलीगेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी में। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। फिर से रिक्वायरमेंट से पढ़ना चाहिए, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वेरी गुड, दिस क्वेश्चन इज ईजी। एज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो अपने को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये क्लियर हो गया कि इन 5 फंक्शंस में से कोई एक फंक्शन ही इसका आंसर होगा। तो बनवारी लाल इज क्लॉथ मर्चेंट इन करोलबाग, हिज ग्रैंडसन्स आर रिक्वेस्टिंग हिम टू लेट देम डाइवर्सिफाई द बिजनेस इन टू ब्राइडल वियर। सिंपल सा एक कपड़े की दुकान रही होगी, तो उनके ग्रैंडसन्स आज की सोच वाले, उन्होंने बोला कि क्यों ना हम इसको ब्राइडल वियर में थोड़ा और डाइवर्सिफाइड कर दें। बनवारी लाल हैज एग्रीड, तैयार हो गए, बट ऑन द कंडीशन दैट दे विल फॉलो द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ही हैज ऑलवेज फॉलोड।
उन्होंने अपने ग्रैंड सन्स को बोला कि जो मैं फंक्शन आज तक करते आ रहा था अपने बिजनेस में, आपको भी वो फॉलो करना पड़ेगा, विच हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन कीपिंग ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द एक्टिविटीज एंड एंश्योर्स दैट द एक्टिविटीज कन्फर्म टू द स्टैंडर्ड सेट इन एडवांस सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल आर अचीव्ड। ट्रैक को रेगुलरली चेक करना है और चेक करना है कि जो एक्टिविटीज एक्चुअल में हो रही है वो स्टैंडर्ड जो सेट किया गया एडवांस में उससे मैच हो। जब आप चाहते हैं कि आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लैंड परफॉर्मेंस से मैच हो तो इट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग फंक्शन, दैट इज लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पूछा है नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच बनवारी लाल इज आस्किंग हिज ग्रैंडसन टू फॉलो। अपने ग्रैंडसन को क्या फॉलो करने बोल रहा है? वो अपने ग्रैंडसन्स को कंट्रोलिंग फॉलो करने बोल रहे हैं। क्लियर है? और उसके बाद लिस्ट एनी टू रीजंस व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज एन इंडिस्पेंसेबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको दो रीजन बताने हैं कि ये मैनेजमेंट का क्यों जरूरी है। मैनेजमेंट इसमें डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है लेकिन ये शो कर रहा है कि आपको कंट्रोलिंग के इम्पोर्टेंस लिखने, और कंट्रोलिंग के इम्पोर्टेंस में हमने पढ़ा है हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन कोऑर्डिनेशन इन एक्शन एम्प्लॉयज के मोरल्स एंड मोटिवेशंस को बूस्टअप करता है मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करता है एटसेट्रा। उसमें से कोई दो लिखेंगे और उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देंगे। इज इट क्लियर? ये आपके तीन क्वेश्चंस हो गए हैं 5 मार्क्स वाले। क्वेश्चन नंबर 24 फोर्थ क्वेश्चन 3 मार्क्स के, ये भी एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो फिर से हम रिक्वायरमेंट यानी रीड फ्रॉम बॉटम, रीड फ्रॉम रिक्वायरमेंट। फॉर दिस पर्पस दे प्लान टू स्पॉन्सर वेरियस इवेंट्स लाइक द रिक्वायरमेंट इज ए एंड बी, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रमोशनल टूल बींग डिस्कस्ड अबव। प्रमोशनल टूल, प्रमोशन, ये मुझे चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट की तरफ ले जा लेता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमने प्रमोशन, जो फोर्थ कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग है, उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि मार्केटिंग प्रमोशन के चार जो टूल हैं वो है एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सॉरी सबसे पहले आपका सेकंड जो है वो है सेल्स प्रमोशन, थर्ड पर्सनल सेलिंग और फोर्थ पब्लिक रिलेशन। एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन एसपी को उल्टा करेंगे पीएस इज पर्सनल सेलिंग, फिर पीआर पब्लिक रिलेशन। तो पूछा है आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रमोशनल टूल बीइंग डिस्कस्ड। कुल मिला के केस स्टडी पढ़ेंगे ना तो ये चार में से कोई एक आपको दिखाई देगा। ध्यान से पढ़ेंगे, द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्दी प्रोडक्शन लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग हेल्थ ड्रिंक्स टू सीरियल मेड फ्रॉम मिलेट्स। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप रिक्वायरमेंट पहले नहीं पढ़ते तो डाइवर्सिफाई वर्ड पढ़ के आपको एक बार डिविजनल स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 5 की तरफ शायद आपका दिमाग जा सकता था। केस स्टडी में ऐसा होता है, आपका दिमाग बहुत सारे कंसेप्ट में मूव करता है। दैट्स व्हाई पहले आपको रिक्वायरमेंट पढ़ लेना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट इसका क्या है? दे आर ऑल, रिक्वायरमेंट पूछा इन्होंने प्रमोशन कौन सा है, तो प्रमोशन के जो चार कंपोनेंट है उसमें से एक आंसर होगा। दे आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द कंपनी विल हैव टू कम्युनिकेट टू द पीपल द बेनिफिट ऑफ ईटिंग मिलेट्स। फॉर दिस पर्पस दे प्लान टू स्पॉन्सर वेरियस इवेंट्स लाइक मैराथन्स एंड इनकरेज पीपल टू स्विच टू हेल्दी ईटिंग थ्रू न्यूज लेटर्स। क्या कर रहे हैं उन लोग? कुछ फंक्शंस स्पॉन्सर, कुछ इवेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, न्यूज लेटर्स वगैरह बांट रहे हैं। ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का काम होता है, पब्लिक से रिलेशनशिप बनाना, किस तरीके से कुछ इवेंट्स करवा के कुछ रिटर्न मटेरियल प्रोवाइड करके। और यहाँ पर न्यूज लेटर जो है वो रिटर्न मटेरियल है, इवेंट करवा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर पब्लिक रिलेशन जो कंपोनेंट है, जो हमने प्रमोशनल टूल यूज किया है, वो है पब्लिक रिलेशन। तो इसमें ए का आंसर हो जाएगा पीआर, पब्लिक रिलेशन। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन भी करना है तब आपको मार्क्स मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं लिखना है, आप लिखिए पब्लिक रिलेशन वर्ड इट सेल्फ स्पेसिफाइज दैट मेकिंग रिलेशनशिप विद पब्लिक।
अब पब्लिक का मतलब क्या? पब्लिक डज नॉट मीन ओनली कस्टमर, पब्लिक मीन्स एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, मीडिया, सप्लायर एटसेट्रा। सबके साथ जब अपन अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं तो कंपनी का रेपुटेशन और गुडविल बढ़ता है, और इससे फायदा क्या होता है, कंपनी का गुडविल ऑलरेडी अच्छा है तो आपको दूसरे प्रमोशनल टूल की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा ऐड नहीं करना पड़ता, ज़्यादा पर्सनल सेलिंग में दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आपकी इमेज अच्छी है, आपकी गुडविल अच्छी है, लोग ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो यहाँ पर इवेंट्स करा के, न्यूज लेटर्स वगैरह प्रोवाइड करके कंपनी पब्लिक रिलेशन मेंटेन कर रही है, ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। बी जो रिक्वायरमेंट है वो बोल रहा है ऑल्सो एक्सप्लेन एनी टू अदर प्रमोशनल टूल, टू अदर, अब पीआर हो चुका है तो इसके अलावा दो कोई और आपको एक्सप्लेन कर देने हैं, या तो एडवर्टाइजमेंट, ये तीन में से कोई दो आप लेंगे और दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? नाउ मूविंग टूवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, नंबर 25। रीता शर्मा हु वर्क्स एज अ गार्ड, सॉरी ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो फिर से हमको रिक्वायरमेंट से शुरू करना चाहिए। रिक्वायरमेंट है enumerate the right of consumer which Rita Sharma was able to exercise with the help of voluntary organization। ये क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 12 राइट ऑफ कंज्यूमर्स पूछ रहा है, तो आप जब केस स्टडी पढ़ेंगे ना तो आपका फोकस पूरी तरीके से चैप्टर नंबर 12 में रहेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। रीता शर्मा हु वर्क्स एज अ गार्ड इन अ स्कूल परचेज्ड 2 शर्ट्स फॉर ₹460 ईच फॉर हर सन। वेन सी वेंट बैक होम सी रियलाइज दैट शर्ट वॉज स्मॉल इन साइज एंड फॉर हर सन सी डिसाइडेड टू आस्क फॉर रिटर्न ऑफ मनी और एक्सचेंज ऑफ द शर्ट विथ एन अप्रोप्रिएट साइज। या तो उसने बोला कि पैसा वापस दे दो या मुझे सही साइज का शर्ट दे दो, वापस गई दुकान में। बट द स्टोर ओनर रिफ्यूज टू रिटर्न द मनी और एक्सचेंज, लेकिन दुकान वाले ने ना ही पैसा देने के लिए हाँ बोला, ना ही शर्ट रिटर्न एक्सचेंज किया। रीता शर्मा वॉज डिसहार्टन्ड, हर फ्रेंड एडवाइज हर टू गो टू सेवा सदन एन ऑटोनॉमस वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। सेवा सदन एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, उसके पास रीता शर्मा गई। द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्ड हर बाई एक्सप्लेनिंग, आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट याद होगी, राइट ऑफ अ कंज्यूमर उन्होंने पूछा है। द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्ड हर बाई एक्सप्लेनिंग टू हर द लीगल प्रोसीजर, उसको लीगल प्रोसीजर एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से उसको, एज वेल एज एजुकेटेड हर अबाउट हर राइट्स एज कंज्यूमर एंड हेल्प्ड हर इन फाइलिंग द कंप्लेन एंड गेटिंग रिलीफ। कुल मिला के जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन थी सेवा सदन, उसने रीता शर्मा को हेल्प किया, ये 3-4 हेल्प दिए हुए हैं। विद द हेल्प ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रीता वॉज एबल टू गेट हर मनी बैक फ्रॉम द स्टोर, और उसको हेल्प मिली, पैसे वापस मिल गए। इनमरेट द राइट ऑफ अ कंज्यूमर विच रीता शर्मा वॉज एबल टू एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है यहाँ केस स्टडी में ढूंढ करके कि सेवा सदन ने रीता शर्मा को कौन कौन सा राइट एक्सरसाइज करने में हेल्प किया। तो सबसे पहले दिया हुआ एक्सप्लेनिंग टू हर द लीगल प्रोसीजर। पहले आपको रिकॉल करना होगा कि अपने 6 राइट्स हैं, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू मेक चॉइसेस, राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन और बीइंग हर्ड, राइट टू सिक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। यहां पर राइट टू बी हर्ड और राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है जो लीगल प्रोसीजर है, वहां पर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अपनी बात किस तरीके से रख सकते हैं अलग अलग रिड्रेसल एजेंसी के सामने। देन यहाँ लिखा हुआ है एजुकेटेड हर अबाउट हर राइट्स एज अ कंज्यूमर, ये आपको शो करता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। और थर्ड जो आपका राइट है यहाँ पर दिख रहा है फाइलिंग द कंप्लेंट एंड गेटिंग रिलीफ, रिलीफ लेना यानी नुकसान की भरपाई करना ना, कॉल्ड रिड्रेसल, राइट टू सिक रिड्रेसल। ये 3 जो राइट्स हैं वो एक्सरसाइज कर पाई रीता शर्मा विद द हेल्प ऑफ सेवा सदन द नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों आपने आइडेंटिफाई किया, इसको एक्सप्लेन करेंगे, यू विल गेट 3 out of 3। ये सेकेंड पार्ट सेक्शन नंबर बी आपने हमने कंप्लीट कर लिया, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन डन। नाउ मूविंग टू 4 मार्क वाले 3 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, इसमें एक इंटरनल चॉइस भी होगा।
और मुझे क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा बड़ा दिख रहा है, और बड़ा क्वेश्चन देखते ही डरना नहीं है। एक्चुअली बड़े क्वेश्चन इजी होते हैं, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो डरेंगे बिल्कुल नहीं, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर रहिए। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे ज़्यादातर, तो आपको प्रिपेयर रहना है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। डोंट वरी, कंसेप्ट स्ट्रांग रखिए, डरिए मत, और रिक्वायरमेंट से पढ़ना शुरू कीजिए। आराम से कीवर्ड्स ढूंढिए, आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। सो मूविंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इसकी रिक्वायरमेंट है लास्ट सेकंड लाइन में, बाय कोटिंग द लाइंस। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए जो लाइन आपने यूज पढ़ा है उन लाइन्स को कोट भी करना है। याद रखिएगा, जब तक लाइन्स कोट करने ना बोले अपन लाइन्स कोट नहीं करेंगे। यहाँ पर बोला है तो कोट जरूर करेंगे। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी टू पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरमेंट। ओके, चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरमेंट, और बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग के कुछ फायदे होते हैं। आपने पढ़ा था अपॉर्चुनिटीज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, थ्रेट्स, अर्ली वार्निंग सिग्नल, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस एटसेट्रा। तो आपको इस केस स्टडी को पढ़ करके देखना है कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के कौन कौन से फायदे इस केस स्टडी में हाईलाइट किए गए हैं। लाइन्स को पढ़ना है, लाइन्स को कोट भी करना है। पूछा है टू पॉइंट्स, यानी आपको दो इंपॉर्टेंस आइडेंटिफाई करने हैं। पढ़ना शुरू कर रहे हैं बेटा। द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग अ पायोनियर प्रपोजल टू लॉन्च अ सिंगल डेबिट कम क्रेडिट कार्ड टू इंक्रीज द ईज एंड यूसेज फॉर द कंज्यूमर। हमारी गवर्नमेंट कुछ डेबिट कम क्रेडिट कार्ड इशू कर रही है सो दैट कंज्यूमर्स के लिए ईजी हो जाए कोई भी काम करना। द कार्ड विच विल बी कॉल्ड द नेशनल मोबिलिटी कार्ड विल हैव अ यूनिक एडवांटेज फॉर मेकिंग पेमेंट्स इन मेट्रो, बसेस, पार्किंग एंड मेकिंग ट्रांजेक्शन। कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, ड्यूरिंग विजिट्स अब्रॉड, विदेशों में भी आप ये वाला कार्ड यूज कर सकते हैं। ये हमारे गवर्नमेंट ने प्लान किया है लॉन्च करने के लिए। आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज मेगा बैंक डिसाइडेड टू, अब उन्होंने गवर्नमेंट का ये प्लान सुन लिया तो मेगा बैंक ने भी डिसाइडेड टू लॉन्च अ मेगा मोबिलिटी कार्ड ऑन सिमिलर लाइन्स सो दैट दे कुड बी द फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी। ओके, देखिए जब अपन रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं ना तो केस स्टडी पढ़ते पढ़ते अपने को रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। अपना ब्रेन, अपना माइंड वैसे ही वर्क करता है। हमने पहले ही अगर हम स्टार्ट से पढ़ना शुरू करते हैं और रिक्वायरमेंट ही हमको पता नहीं है तो हमारा दिमाग सारे चैप्टर्स में घूमते रहता है और हम जबरदस्ती परेशान होते हैं। दैट्स वाई रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लो, आपको पता चल गया कि चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरमेंट और उसमें भी मुझे इंपॉर्टेंस ही ढूंढने हैं। तो केस स्टडी पढ़ते पढ़ते आपका पूरा फोकस इंपॉर्टेंस को ढूंढने में होगा। और यहाँ पर जैसे ही आपने फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी पढ़ा, आपको एक इंपॉर्टेंस याद आ गया, इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये एक इंपॉर्टेंस आपको यहां से दिख रहा है। लाइन कोट कर देंगे, सो दैट दे कुड बी द फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट डेस 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 अराइजिंग ड्यू टू द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ डिजिटाइजेशन इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस बेटर परफॉर्मेंस। ये आपका अगला इंपॉर्टेंस, दो ही पूछा है लेकिन और पढ़ लेते हैं और कोई इंपॉर्टेंस हो तो। दे लेट डाउन अ प्लान टू हायर मोर पीपल इन देयर मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड प्रिपेयर्ड गाइडलाइंस टू ट्रेन देयर सेल्स फोर्स टू मार्केट द न्यू कार्ड फैसिलिटी बींग लॉन्च्ड बाय द बैंक। By quoting the lines, identify and explain any two points of two तो मिल गए, लेकिन इसमें एक और मुझे दिखाई दिया है। They let down a plan to hire assisting in planning and policy making। अब आपको कोई दो ही करने हैं तो इन तीन में से जिसका explanation आप सबसे अच्छे से कर सकते हैं with example वो आप लिख लेंगे। मैंने यहाँ पर आपको एक पेपर ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट ए बी दो पार्ट में है, पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेप्ट बीइंग डिस्कस्ड। फिर से क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कंसेप्ट बीइंग डिस्कस्ड, तो आपको चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक कोई भी कंसेप्ट हो सकता है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है आपको। तो पहले तो कंसेप्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आपने कंसेप्ट ही गलत आइडेंटिफाई कर लिया तो इंपॉर्टेंस ही गलत हो जाएगा। देखने के लिए लगता है कि आइडेंटिफिकेशन के 1 मार्क हैं, लेकिन अगर आइडेंटिफिकेशन में ही गड़बड़ कर दिया तो आगे का सारा उसका जो
अगले क्वेश्चन है वो भी रॉन्ग हो जाएंगे। तो एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं होता, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने मार्क्स का होता है। आइडेंटिफिकेशन सही हो गया ना तो फिर बाकी क्वेश्चन सही हो जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन ही गलत हो गया तो सारा सारा गलत हो जाता है। तो आइडेंटिफाई करते समय थोड़ा ज़्यादा ध्यान से फोकस करके पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई सही कर लिया तो इंपॉर्टेंस भी आपका सही हो जाएगा। बी रिक्वायरमेंट ए रिक्वायरमेंट से तो कहीं रिक्वायरमेंट नंबर ए से कहीं पर भी कौन सा चैप्टर है ये क्लियर नहीं हुआ है। रिक्वायरमेंट नंबर बी पढ़ रहे हैं, नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन अ सुटेबल फ्रेमवर्क फॉर द कंपनी विद इन विच द मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क। ये मुझे चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग में ले जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, वहाँ पर मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क को डिफाइन किया जाता है, ये क्लियर वहाँ पर कीवर्ड्स दिए हुए हैं। और सुटेबल फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब ही होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और आपने पढ़ा है फंक्शनल और डिविजनल दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। कुल मिला के बी का तो थोड़ा क्लियर है कि ये चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ए भी चैप्टर 5 से रिलेटेड हो। तो ए को आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, इन्फोकॉम हैज़ डाइवर्सिफाइड इनटू सेवरल प्रोडक्ट लाइंस, टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज। चलिए बी का आंसर तो मुझे लग रहा है कि मिल गया है, सेवरल प्रोडक्ट लाइंस, टेलीकम्युनिकेशन। जब मोर देन वन प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। तो मुझे लग रहा है कि इसका बी का तो आंसर आ गया है, लेकिन पूरा पढ़े बिना अभी श्योर नहीं होना चाहिए। ईच सब्सिडियरी इज सेल्फ सफिशियंट विथ देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। जब सारे डिपार्टमेंट्स अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड होते हैं तो वो भी डिविजनल है। तो ये लाइन भी मुझे डिविजनल स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट नंबर बी में दिखाई दे रहा है। Propagating the belief that people can assume the responsibility, मुझे ये कीवर्ड सुना सुना सा लग रहा है, for the effective implementation of their decision and should be given autonomy। ये मान लिया गया है कि जो employees हैं वो अपनी responsibility खुद से मान लेंगे, that's why autonomy का मतलब थोड़ी उनको freedom दी जाए, यानी decision लेने का power दिया जाए। This has reduced the need for direct supervision by superior, has promoted flexibility, initiative and faster decision making। ये question मुझे थोड़ा easy होता सा दिख रहा है, as जहाँ पर subordinates अपनी responsibility को assume कर लेते हैं और जहाँ पर थोड़ी freedom दी जाती है, जहाँ सुपीरियर की डायरेक्ट सुपरविजन की जरूरत को हटा दिया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी और इनिशिएटिव बढ़ाया जाता है, फास्टर डिसीजन मेकिंग की जाती है। ये सारे कीवर्ड्स आपको चैप्टर नंबर 5 के ही डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट की तरफ लेकर जाते हैं। तो द कंसेप्ट आइडेंटिफाइड इज डिसेंट्रलाइजेशन। देन इसके इंपॉर्टेंस, अब इसके इंपॉर्टेंस के लिए मैं आपको बहुत सुंदर सा शॉर्टकट दे रहा हूँ, दीदी एबी पर क्यों आई। इसके जो कैपिटल्स में जितने लेटर्स लिखे हुए हैं वो हेडिंग्स के फर्स्ट लेटर्स हैं, डेवलप इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी अमंग सबऑर्डिनेट्स, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, फैसिलिटेट्स चेंज, बेटर कोऑर्डिनेशन एटसेट्रा, क्विक डिसीजन मेकिंग, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, रिड्यूसेस वर्कलोड ऑफ मैनेजर एटसेट्रा। आपको इनमें से कोई दो लिखने हैं, जो आपको सबसे अच्छे से आता हो वो दो हेडिंग सेलेक्ट करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। और सेकंड का भी आंसर आ गया है, नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन। इसके लिए आपको शुरू में ही दो लाइनों में दिख गया था डिविजनल स्ट्रक्चर, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना है, यानी कुछ फीचर्स लिख देना, अपने आप में सेल्फ कंटेंट होते हैं, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आता है, एक्सपांशन एंड ग्रोथ करना ईजी होता है, मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिविजनल स्ट्रक्चर सबसे सुटेबल स्ट्रक्चर होता है। फोर मार्क्स वाले में से सबसे लास्ट क्वेश्चन जिसमें इंटरनल चॉइस भी है, स्टेट एनी फोर फैक्टर्स, बड़ा डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, आसान सा ये तो बन ही जाएगा, विच अफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। प्राइस डिसाइड करते समय कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, 6 फैक्टर्स हैं, उनमें से 4 नंबर का क्वेश्चन है। जब तक कितना लिखना है ये नहीं दिया हो तो पर हेडिंग एंड एक्सप्लेनेशन 1 मार्क अपन एज्यूम करते हैं। तो हमको 4 फैक्टर्स लिखने हैं, सबसे पहला इसका प्राइजिंग ऑब्जेक्टिव, आप मार्केट में क्वालिटी लीडर बनना चाहते हैं कि मार्केट शेयर ज़्यादा चाहते हैं, प्राइसिंग का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अंदर 3 सब हेडिंग्स हैं। देन ऑब्वियसली प्राइस फिक्स करने से पहले प्रोडक्ट कॉस्ट, इसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का टोटल करके कम से कम कॉस्ट रिकवर करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है मार्केट में तो समटाइम्स हम लोग फिक्स कॉस्ट को इग्नोर
कर सकते हैं। देन अगला है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन कितना है मार्केट में। अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको प्राइस कम रखना पड़ेगा, लेकिन अगर कंपटीशन कम है तो आपको फ्रीडम मिल जाती है, आप प्राइस जैसा चाहे वैसा फिक्स कर सकते हैं। एंड एक और प्रोडक्ट डिमांड एंड यूटिलिटी, अगर डिमांड इन इलास्टिक है यानी आपके सब्सटीट्यूट ज़्यादा नहीं है मार्केट में तो आप प्राइस ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन अगर इलास्टिक डिमांड है यानी आपके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं तो आपको प्राइस कम रखना पड़ेगा। अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत सारी यूटिलिटीज प्रोवाइड करती है तो आप ज़्यादा प्राइस फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मार्केटिंग मेथड यूज, ये दो फैक्टर्स और हैं, लेकिन अपने को कोई चार ही लिखने हैं। इसके इंटरनल्स वाइज में दिया हुआ है, स्टेट द फोर कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 11, फोर पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, उसका थर्ड पी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस मिक्स भी बोला जाता है। और प्लेस मिक्स के चार कंपोनेंट हैं, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए आपको चार काम करना होता है। पहले आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग करनी होती है, यानी आपको कस्टमर से ऑर्डर मिला, ऑर्डर मिलने से लेकर उसको डिलीवरी देने तक के टाइम को ऑर्डर प्रोसेसिंग बोला जाता है। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए सबसे पहला कंपोनेंट आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग करनी होती है। देन आपको प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से ट्रांसपोर्ट करके प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक उसको पहुंचाना पड़ता है, तो सेकंड कंपोनेंट है ट्रांसपोर्टेशन का डिसीजन लेना। थर्ड कंपोनेंट जो है, प्रोडक्ट जिस टाइम बन गया उसी टाइम कंज्यूम हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में टाइम गैप होता है और उस टाइम गैप में प्रोडक्ट को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, मॉइस्चर से, रोडेंट से, इंसेक्ट से, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए आपको वेयर हाउसिंग करनी होती है। दैट इज थर्ड कंपोनेंट ऑफ प्लेस मिक्स और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। और टाइमली प्रोडक्ट की डिलीवरी कर सके इसके लिए आपको इन्वेंट्री मेंटेन, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक रेगुलरली मेंटेन करना होता है। दिस आर द फोर कंपोनेंट्स ऑफ प्लेस मिक्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री। 4 मार्क का क्वेश्चन है, चारों लिखेंगे और चारों को एक्सप्लेन कर देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। दिस आर 3 questions of 4 marks. 29, नेम एंड एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल, नेम एंड एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 2 साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक में से क्वेश्चन है और हमने पढ़ा हुआ है फंक्शनल फोरमैनशिप, सिंप्लीफिकेशन, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, उसमें से कोई एक इसका आंसर होगा। गिवन बाय टेलर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड फॉर अ टास्क। ओके, सोचते हैं कौन से टेक्निक में हम नंबर ऑफ वर्कर्स डिसाइड करते हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स डिसाइड करने का मतलब कितने लोग लगेंगे काम करने के लिए। उसके लिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, एक वर्कर एक प्रोडक्ट एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगाएगा। उसके हिसाब से हमको पता चल जाता है कि टोटल यूनिट बनाने के लिए हमको कितने वर्कर्स लगेंगे। सो टाइम जानने के लिए जो टेक्निक टेलर ने सजेस्ट किया है वो टेक्निक है टाइम स्टडी। सो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, एक्चुअली आपको टाइम स्टडी बताना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चन विच हैड बीन आस्क्ड टिल टुडे। वो डायरेक्टली पूछा करते थे एक्सप्लेन टाइम स्टडी, अब वो थोड़ा घुमा करके पूछेंगे कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा फिर एक्सप्लेन करना होगा। तो ये टाइम स्टडी का क्वेश्चन है, आपको टाइम स्टडी को एक्सप्लेन करना है और बहुत सिंपल है, इसको 5 मार्क का क्वेश्चन है तो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे कि एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक टेक्निक लगाने के बारे में सोचा, उन्होंने बोला उनका जो मैनेजमेंट था वो साइंटिफिक मैनेजमेंट था, एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ मैनेजमेंट। सो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम लगना है वो स्टैंडर्ड टाइम हम डिसाइड मैनेजर के विल और विश से नहीं करेंगे, हम उसके लिए साइंटिफिक अप्रोच लगाएंगे और उस साइंटिफिक अप्रोच का नाम है टाइम स्टडी। सबसे पहले आप लिखेंगे द पर्पस ऑफ डूइंग दिस स्टडी इज स्टैंडर्ड टाइम जानना, टारगेट जानना, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने लगेंगे वो जानना, और जो वर्कर स्टैंडर्ड टाइम में काम कंप्लीट कर लेगा उसको एफिशिएंट बोलेंगे, और जो वर्कर स्टैंडर्ड टाइम में काम कंप्लीट नहीं करेगा उसको इनएफिशिएंट बोलेंगे। दिस इज द पर्पस, 1, 2, 3, 4 करके लिख देंगे। देन ये स्टडी कैसे की जाती है, इस स्टडी को करने का सिंपल सा तरीका होता है, आप वर्कर्स को काम दे देंगे, स्टॉप वॉच लेंगे और सारे वर्कर्स को बोलेंगे काम शुरू कर दीजिए, सारे वर्कर्स अलग अलग टाइम में काम कंप्लीट करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे और ये काम आप 100 times रिपीट करेंगे, जो एवरेज टाइम होगा वही स्टैंडर्ड टाइम आप सारे वर्कर्स के लिए सेट कर देंगे।
स्टैंडर्ड टाइम सेट किया, अब जो वर्कर स्टैंडर्ड टाइम में काम कंप्लीट कर लिया वो एफिशिएंट, और जो स्टैंडर्ड टाइम में काम कंप्लीट नहीं किया वो इनएफिशिएंट। लास्ट में लिखेंगे बेनिफिट। बेनिफिट में कुछ नहीं लिखना है, पर्पस के ही स्टेटमेंट्स को थोड़ा मोल्ड कर दे रहा है। पर्पस में आपने लिखा है स्टैंडर्ड टाइम जानने के लिए, नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड ये जानने के लिए, टारगेट सेट करने के लिए, एफिशिएंट इनएफिशिएंट वर्कर्स में कैटेगरी करने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए, यही लिखना है आपको। लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, इट हेल्प्स इन सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टाइम, इट हेल्प्स इन सेटिंग अप द टारगेट्स फॉर वर्कर, इट हेल्प्स इन सेग्रीगेटिंग द वर्कर्स इंटू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। वेरी सिंपल, लिखना वही है, थोड़ा लिखने का स्टेटमेंट प्रेजेंट करने का तरीका चेंज कर देना है। ये क्वेश्चन इंटरनल चॉइस वाला है, यानी आपने अभी जो टाइम स्टडी लिखा है वो लिख सकते हैं, या ऑप्शन है नेम एंड एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक वाला ही क्वेश्चन है, गिवन बाई टेलर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एफिशियंट एंड इनएफिशियंट वर्कर्स। अब थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि टाइम स्टडी में भी हम लोग एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को ही तो सेग्रीगेट कैटेगराइज करते हैं, वो ऑलरेडी हमने पहले क्वेश्चन में कर लिया है। फिर इस क्वेश्चन में क्या नया होगा, तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे डिफरेंशियल पीस वेजेस रेट सिस्टम, क्योंकि टाइम स्टडी का पर्पस है एफिशिएंट इनएफिशिएंट को अलग अलग करना, लेकिन पहला पर्पस है स्टैंडर्ड टाइम सेट करना, टारगेट सेट करना, नंबर ऑफ वर्कर्स, लास्ट में है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स की अलग अलग कैटेगरीज बनाना। लेकिन डिफरेंशियल पीस वेजेस रेट सिस्टम का पहला ही पर्पस है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में डिफरेंशिएशन करना। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, पर्पस लिखेंगे, पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग अलग पेमेंट देना। इससे क्या होगा, इनएफिशिएंट वर्कर डीमोटिवेटेड हो जाएंगे और एफिशिएंट वर्कर मोटिवेटेड होंगे। अरे ये तो गलत हो जाएगा, अपने को तो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स बोथ टाइप ऑफ वर्कर्स को मोटिवेट करना है। तो एक्चुअली क्या होगा, हम सिंपली एक टारगेट दे देंगे कि जो 10 यूनिट बनाएगा एक दिन में, मान लीजिए वो स्टैंडर्ड है, उसको हम ₹50 पर यूनिट देंगे, जो 10 से ज़्यादा बना लेगा उसको ₹60 पर यूनिट देंगे, और जो 10 से कम बनाएगा उसको ₹40 पर यूनिट देंगे। अब देखिएगा, मान लीजिए वर्कर ए है, उसने 12 यूनिट बनाया, तो उसको 12 × 60 ₹720 पर डे मिलेगा। वर्कर बी है, जिसने जितना टारगेट था उतना ही बनाया, तो उसको ₹50 के हिसाब से ₹500 मिलेंगे। लेकिन वर्कर सी थोड़ा सा स्लो है, उसकी एफिशिएंसी कम है, तो उसने 8 ही यूनिट बनाए, तो उसको ₹40 के हिसाब से पर यूनिट ₹320 मिलेंगे। अब देखिए, वर्कर्स सेम टाइम के लिए काम किए, लेकिन सबका पेमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, एक को 720, एक को 500 और एक को 320 मिला है। क्यों, एफिशिएंसी के हिसाब से। अब इससे क्या होगा, वर्कर ए मोटिवेट होगा कि अरे वाह मुझे ज़्यादा पैसे मिले हैं, तो वो और ज़्यादा मेहनत करेगा। वर्कर बी भी मेहनत करेगा कि जब ए को 720 मिल सकता है उतने ही टाइम के लिए, तो मैं वर्कर ए से पूछूं ना, भाई किस तरीके से तूने काम किया कि एक दिन में 12 यूनिट बना लिए, मैं भी वैसे ही मेहनत करूंगा। देखिए, बी को भी हमने मोटिवेट कर लिया। अच्छा, सी को मोटिवेशन होगा कि नहीं होगा, सी ने तो कम काम किया। यस, वो भी मोटिवेटेड होगा, वो उसको जो मोटिवेशन होगा वो नेगेटिव मोटिवेशन होगा, एज उसने कम यूनिट बनाया तो उसको कम पेमेंट दिया गया, तो वो पहले थोड़ा दुखी हो जाएगा, अरे यार सेम आर्स के लिए मैंने काम किया, ए और बी के बराबर काम किया, लेकिन मुझे पेमेंट कम मिला। तो वो ए और बी को जाके पूछेगा, अरे भाई तुम लोग कैसा काम करते हो कि ज्यादा बना लेते हो, मैं भी वैसा ही काम करूंगा, और वो भी अपना एफिशिएंसी बढ़ाएगा। कुल मिलाके डिफरेंशियल पीस वेजेस रेट सिस्टम का सिंपल पर्पस है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को अलग अलग वेजेस देना, डिफरेंट वेजेस देना, सो दैट एफिशिएंट वर्कर और एफिशिएंट होने के बारे में सोचे और इनएफिशिएंट एफिशिएंट बनने के बारे में सोचे। दिस इज 29 का इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप पैराग्राफ में बांटेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द टेक्निक एक्सप्लेन इन द गिवन केस इज डिफरेंशियल पीस वेजेस रेट सिस्टम, पर्पस ऑफ डूइंग दिस स्टडी इज पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4। फिर कैसे किया जाता है, तो उसमें ये वाला एग्जाम्पल लिख देंगे। लास्ट में लिखेंगे बेनिफिट ऑफ डूइंग डिफरेंशियल पीस वेजेस रेट सिस्टम, इसमें लिखेंगे एफिशियंसी और एफिशियंट इनएफिशियंट वर्कर को डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट देने से सारे लोग मोटिवेटेड होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशियंसी बढ़ती है। सिंपल। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 30, जो 5 मार्क्स का सेकेंड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को आप ऊपर से नहीं, फर्स्ट लाइन से नहीं, रिक्वायरमेंट से पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे ही आप रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं, आप क्लियर हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, फिर केस स्टडी पढ़ना शुरू करते हैं, तो उस चैप्टर के ही कंसेप्ट आपके दिमाग में चलते हैं, बाकी चैप्टर आपके दिमाग से उस टाइम के लिए हट जाते हैं। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है, वॉट आर स्टैंडिंग प्लान्स एंड सिंगल यूज प्लान्स, ये तो
केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान को आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। उसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन द प्लान्स डिस्कस्ड अबव विच कैन बी क्लासिफाइड एज सिंगल प्लान्स, ये है डिस्कस्ड अबव, यानी ये चीज आपको केस स्टडी से ढूंढनी है। आपके केस स्टडी में बहुत सारे टाइप के प्लान कहीं कहीं लाइंस में आपको दिखाई देगी, लेकिन विच कैन बी क्लासिफाइड एज स्टैंडिंग प्लान, लेकिन उनमें से वो वाले प्लान को आइडेंटिफाई करना है जो स्टैंडिंग प्लान है। कुल मिला के केस स्टडी में इट मे हैपन कि वहां पर स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान दोनों आपको लाइंस में दिखाई दे, लेकिन आपको उनमें से छांटने हैं स्टैंडिंग प्लान और वो ही प्लान आपको आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करने हैं। लास्ट में लिखा है भाई कोटिंग द लाइंस, यानी आपको लाइन कोट करना जरूरी है। जिन लाइंस को रीड करके यू आइडेंटिफाइड द स्टैंडिंग प्लान्स, उन लाइंस को कोट करना है, इसका मतलब उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आप लाइन कोट करके आएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। सो रिक्वायरमेंट हमको समझ आ गई है कि सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान को डिफाइन करना है, और जब केस स्टडी को पढ़ेंगे तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान आपको दिखाई देंगे, उन प्लान्स में से आपको स्टैंडिंग प्लान को डिफ्रेंशिएट करके उनको छांट करके उनके हेडिंग्स लिख करके आपको एक्सप्लेन करने हैं। कुल मिला के एक बात क्लियर हो गई है कि ये वाला केस स्टडी चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग से है, तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और चैप्टर नंबर 5 से 12 को अभी के लिए दिमाग से हटा दीजिए, पूरा फोकस कीजिए चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 4 में, और चैप्टर नंबर 4 में भी स्पेसिफिकली स्टैंडिंग प्लान। कुल मिला के पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, मेथड, ये चार में से कोई स्टैंडिंग प्लान आपको ढूंढना है। केस स्टडी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। एन ऑटो कंपनी विल लिमिटेड इज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन फ्रॉम अदर न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्लेयर इन द मार्केट। सिंपली एक कंपनी है जिसको न्यू कॉम्पिटिटर्स और एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स से बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन मिल रहा है, इसलिए उनका मार्केट शेयर रिड्यूस होता जा रहा है। Its competitors are introducing lower priced model for mass consumers who are price sensitive. The board of director of the company announced a meeting to discuss the decision regarding pricing and launching a new range of models in order to increase the market share of the company. देखिए इन 5-6 लाइनों में कहीं पर भी किसी भी टाइप का प्लान दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो ये लाइन्स का कोई एग्जाम में आंसर लिखने के लिए कोई यूज नहीं है। लेकिन उन्होंने जो मीटिंग रखी है उसके बाद उन्होंने लिखा है अटेंडिंग द मीटिंग वॉज नॉट अ डिस्क्रिशन फॉर द डायरेक्टर्स एंड अ पेनल्टी वॉज अनाउंस्ड फॉर नॉट अटेंडिंग द मीटिंग। ये लाइन ध्यान से देखेंगे, मीटिंग अटेंड करना कंपलसरी है, आपके डिस्क्रिशन पर डिपेंड नहीं करता कि मीटिंग में आएंगे तो भी चलेगा और नहीं आएंगे तो भी चलेगा, आपको मीटिंग में आना पड़ेगा, और अगर आप मीटिंग में नहीं आए तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। ये जो लाइन है ये आपको रूल नाम का प्लान और वो भी स्टैंडिंग प्लान, तो हमने एक स्टैंडिंग प्लान आइडेंटिफाई कर लिया है। ओके, द फॉलोइंग डिसीजंस आर टेकन इन द मीटिंग। अब मीटिंग में ए बी सी तीन डिसीजंस लिए गए। पहला डिसीजन है टू डिफाइन द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन ऑफ द कंपनी एज एक्वायरिंग अ डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट बाय इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर टू 10% इन ईयर। ये एक प्लान है, इसका नाम है ऑब्जेक्टिव, लेकिन याद रखेंगे हमको स्टैंडिंग प्लान आइडेंटिफाई करके लिखना है, और ऑब्जेक्टिव इज नीदर स्टैंडिंग प्लान नॉर सिंगल यूज प्लान, इसको नहीं लिखेंगे। भले ही आपको ये दिखाई दे रहा है, अगर ये लिख दिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सिंपली एक समुद्र की तरह होता है जिसमें बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आपको बोला गया आप समुद्र में डूबिए और मैं जो बोल रहा हूँ वो बस निकाल के लाइए, तो आप सारी केस स्टडी पढ़ करके जो पूछा गया है वो ही आइडेंटिफाई करके आंसर में लिखेंगे। ऑप्शन नंबर जो डिसीजन नंबर ए है वो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो आंसर में नहीं आएगा, एज दे आस्क्ड टू राइट ओनली द टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान। 4 टाइप्स के आपके स्टैंडिंग प्लान हैं, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल और मेथड, वो चार ही आपको ढूंढने हैं। डिसीजन नंबर बी टू चेंज द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग वेंडर्स फॉर प्रोक्योरिंग सप्लाईज, यानी सप्लायर्स से जो चीजें हम खरीदते हैं उसका हम क्राइटेरिया चेंज करेंगे।
क्राइटेरिया वर्ड आपको पॉलिसी की तरफ लेकर जाता है, जो स्टैंडिंग प्लान है, यानी हमने सेकंड स्टैंडिंग प्लान आइडेंटिफाई कर लिया है। सी डिसीजन जो उन्होंने लिया, टू इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी इंप्लॉयज को डेवलप किया जाएगा, उसमें थोड़ा खर्चा किया जाएगा, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू हायर लेवल ऑफ होल्डिंग्स, हायर लेवल ऑफ होल्डिंग सेमिनार्स एंड प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक मेथड है ट्रेनिंग का। कुल मिला के हमको तीन स्टैंडिंग प्लान इस केस स्टडी में मिल गए, फर्स्ट रूल, सेकंड ऑब्जेक्टिव और थर्ड मेथड। ये तीनों आपने आइडेंटिफाई किया, इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। स्टैंडिंग प्लान सिंगल प्लान, सिंगल यूज प्लान को डिफाइन करेंगे, रूल को डिफाइन करेंगे, पॉलिसी को डिफाइन करेंगे, मेथड को डिफाइन करेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको हर एक्सप्लेनेशन के 1-1 मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना, स्टैंडिंग प्लान को रिकरिंग प्लान बोलते हैं, यानी कि वंस मेड यूज्ड अगेन एंड अगेन विच डोंट लूज इट्स वैल्यू फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सिंपली जैसे कि आपने रूल बना दिया, दिस इज नो स्मोकिंग जोन, तो ये जो रूल एक बार बन गया, अब वो हमेशा के लिए बन गया। फॉर एग्जाम्पल आपने डेप्रिसिएशन के लिए मेथड फिक्स कर लिया कि WDV मेथड से आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो वो रिपीट यूज प्लान है, रिकरिंग प्लान है, यानी स्टैंडिंग प्लान है। लेकिन सिंगल यूज प्लान का मतलब ऐसे प्लान्स एक बार बनाया, यूज किया, पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बस बनाया था, यूज किया और डिस्कार्ड कर दिया, वो लॉन्ग टर्म तक अपनी वैल्यू नहीं बनाए रखता। सिंपल सा एग्जांपल है बजट। जब आप ईयरली बजट बनाते हैं, उस साल उस बजट के हिसाब से काम करते हैं, अगले साल उस बजट की कोई वैल्यू नहीं होती। दिस इज व्हाट सिंगल यूज प्लान। बस इसको एक्सप्लेन कर देंगे बहुत अच्छे से, रूल के बारे में लिखेंगे, दीज आर द रिजिड स्टेटमेंट जो एक्शंस और नॉन एक्शंस ऑफ एम्प्लॉय को डिफाइन करते हैं, जिनको फॉलो करना कंपलसरी होता है। डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन आपको सबसे अच्छी बात है, इस केस स्टडी में ही कुछ आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। जैसे रूल को एक्सप्लेन करते समय आप लिख देंगे, रूल में डिस्क्रिप्शन नहीं चलता है, अगर रूल फॉलो नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगती है, ये बुक का ही आप लाइन उठाएंगे, कीवर्ड्स उठाएंगे और एक्सप्लेन कर देंगे। मेथड में लिखेंगे स्टैंडर्डाइज्ड एंड फॉर्मुलाइज्ड वे ऑफ डूइंग रूटीन नेचर वर्क अगेन एंड अगेन। अब अगर आपने फॉर्मूला या स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो वर्कर्स को काम करने का तरीका पता चल गया, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन होगा। इसको बहुत सुंदर तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, और पेपर का आपका 31st क्वेश्चन है, इसमें इंटरनल चॉइस भी है, पढ़ रहे हैं। व्हाट इज मीन्ट बाय कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग क्या है? स्टेट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म। अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो सिंपली कैपिटल बजटिंग के डेफिनेशन में आपको 1 मार्क मिलेंगे और 4 फैक्टर, हर फैक्टर का 1, यानी 4 मार्क्स, 1+4=5। मार्किंग स्कीम आपको समझ आ गई कि क्या लिखने पर कितने मार्क्स मिलेंगे। आपको कैपिटल बजटिंग डिफाइन करना है, सिंपली कैपिटल बजटिंग यानी कैपिटल का बजट बनाना, यानी आपको कैपिटल कितना लगेगा इसका बजट बनाना। और इसके लिए सिंपल सा, पहले आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डिफाइन करेंगे कि जब एक बिजनेस पर्सन, एक ऑर्गेनाइजेशन फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल यानी लॉन्ग टर्म एसेट और शॉर्ट टर्म एसेट्स में कितने पैसे उसको लगाने हैं इसका डिसीजन लेता है, तो उसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं। और उसमें से सिर्फ फिक्स्ड एसेट में कितना लगाना है उसका जो डिसीजन लेता है उसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं। ये आपने डिफाइन कर दिया, आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स में कितने पैसे वो लगाएगा, एलोकेट करेगा, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। और उसमें से सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा लगाएगा ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। अब 4 फैक्टर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, आपकी बुक में 8 फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ लीजिंग एंड फाइनेंसिंग फैसिलिटी एंड लेवल ऑफ कोलाबोरेशन। ये 8 फैक्टर्स हैं फिक्स्ड कैपिटल डिसाइड करने के लिए। इनमें से कोई 4 आप सेलेक्ट करेंगे जिससे, जिसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो 4 हेडिंग्स लिख करके उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। याद रखिएगा ये टॉपिक थोड़ा कंसेप्चुअल है, आपका एक्सप्लेनेशन परफेक्ट होना चाहिए तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। मान लेते हैं हम ये 4 पहले फैक्टर्स कंसिडर करेंगे तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस, अब बिजनेस 2 टाइप के होते हैं ब्रॉडली, या तो इंडस्ट्री या ट्रेड। इंडस्ट्री का मतलब जो बना करके बेचते हैं, और ट्रेड यानी जो बनाते नहीं है, बना बुनाया खरीद करके बेचते हैं। तो ऑब्वियसली जो बनाकर बेचेगा उसको मशीनरी की रिक्वायरमेंट, फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा। और जो ट्रेडर है जो बना बुनाया खरीदता है, उसको मशीनरी वगैरह फैक्ट्री तो लगेगी नहीं, तो उसको फिक्स कैपिटल कम लगेगा। कुल मिला के अगर इंडस्ट्री है आपके नेचर ऑफ बिजनेस तो आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा, अगर आप ट्रेडर हैं तो फिक्स कैपिटल कम। सेकंड, बहुत सिंपल, स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर आप लार्ज
स्केल में काम करेंगे तो आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा, स्मॉल स्केल में काम करेंगे तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। आप दो टाइप के टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जानते हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ज्यादा से ज्यादा मशीनरीज का यूज करना, और अगर आपका प्रोडक्शन कैपिटल इंटेंसिव मेथड से हो रहा है तो आप ज्यादा मशीनरीज का यूज कर रहे होंगे, दैट्स व्हाई आपकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप लेबर इंटेंसिव मेथड यूज कर रहे होंगे, यानी आपको लेबर्स का यूज ज्यादा कर रहे हैं, आप मशीनरीज का यूज कम कर रहे हैं, तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। ये है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी और टेक्निक दोनों अलग अलग होता है। टेक्निक का मतलब होता है तरीका, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ वर्किंग। आप मशीनरी क्या नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में लिखेंगे कि आपका जो बिजनेस है उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो फास्ट अपग्रेडेशन मांगती है कि स्लो। अगर फास्ट अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट है, जैसे सॉफ्टवेयर जो कंपनीज होती है वहां पर टेक्नोलॉजी को जल्दी जल्दी अपग्रेड करना पड़ता है, तो आपको ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी को हटाना पड़ेगा और नई टेक्नोलॉजीज बिजनेस में लानी पड़ेगी, यानी आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां पर टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन स्लो है, यानी आपको ऑब्सोलीट मशीनरी जल्दी ऑब्सोलीट नहीं होते हैं, आउटडेटेड नहीं होते हैं, तो आपको जल्दी नई नई मशीनरी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आपको फिक्स कैपिटल कम लगेगा। दीज आर द फोर फैक्टर्स, टोटल आठ हैं, मैंने आपको फोर एक्सप्लेन किया, आप बचे हुए फोर में से भी लिख सकते हैं। जो आपको सबसे अच्छा एक्सप्लेन करना आता होगा वो फोर सेलेक्ट करेंगे और एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें इंटरनल चॉइस है, क्वेश्चन है इनमरेट एनी फाइव पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। और सबसे अच्छी बात, इस क्वेश्चन का एक हेडिंग इस पेपर में ही है। थोड़ी देर पहले हमने वन मार्क के क्वेश्चन में एक हेडिंग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, वो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो मैंने बोला था बड़े ध्यान से करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग का ही वो क्वेश्चन था, लिंक्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन विथ फाइनेंसिंग डिसीजन। ये एक इंपॉर्टेंस है, ये लिख देंगे सीधा सीधा, फाइनेंशियल प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन को लिंक किया जाता है। वो फाइव मार्क का क्वेश्चन है, आपके फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके पास फाइव हेडिंग्स होने चाहिए। एक हेडिंग आप इसी क्वेश्चन पेपर से चुरा सकते हैं। इसका एक बेनिफिट ये है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच में लिंक बिठाता है। जैसे ही आप लिंक लिखेंगे आपको अगला हेडिंग रिकॉल हो जाएगा, लिंक से ही बना है, लिंक्स प्रेजेंट विथ फ्यूचर, क्योंकि आप प्रेजेंट में डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में कितना पैसा लगेगा, यानी फ्यूचर और प्रेजेंट को लिंक करने का काम करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। एक्चुअली फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है, ये ध्यान से समझेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कितना पैसा लगेगा वो डिसाइड करना, और वो कहां से लाएंगे वो डिसाइड करना, फिर आने के बाद कितना डिविडेंड बांटेंगे और कितना रिटेन करेंगे। लेकिन उसका एक पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग, जहां आप ये डिसाइड करते हैं कब और कितना पैसा लगेगा। मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको मशीनरी लेनी है तो आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं करेंगे, क्योंकि मशीनरी से पैसों की रिकवरी लॉन्ग टर्म में होती है, तो आप लॉन्ग टर्म में वो पैसे रिटर्न कर पाएंगे, तो आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग करेंगे, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस सेलेक्ट करेंगे। तो पर्पस नेचर आपको पता चलता जाएगा कि मुझे मशीनरी के लिए पैसा, मशीनरी के लिए फाइनेंस चाहिए ना, तो मैं लॉन्ग टर्म या परमानेंट सोर्स ऑफ फंड सेलेक्ट करूंगा। ये फाइनेंशियल प्लानिंग है। कुल मिला के यहां पर क्या हुआ, इन्वेस्ट करना है मशीनरी में तो फाइनेंस कहां से करेंगे, लॉन्ग टर्म या परमानेंट सोर्स ऑफ फंड से। तो फाइनेंशियल प्लानिंग लिंक करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन को फाइनेंसिंग डिसीजन से, लिंक्स प्रेजेंट विथ फ्यूचर। अब सुनिएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग है तो इसको सिर्फ प्लानिंग को सेलेक्ट करेंगे, जहां जहां प्लानिंग होता है वहां वहां कंट्रोलिंग होती है। आपने अभी फाइनेंशियल प्लानिंग की कि 100 रुपया मुझे पर डे खर्च होने चाहिए, तो डे एंड में चेक करेंगे कि 100 रुपया सोचा था तो 100 रुपया खर्च हुआ कि ज्यादा हुआ कि कम हुआ। एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लैंड परफॉर्मेंस से कंपेयर करना कंट्रोलिंग होता है। जहां फाइनेंशियल प्लानिंग है वहां फाइनेंशियल कंट्रोलिंग भी होगी। तो थर्ड हेडिंग अपन लिख देंगे, हेल्प्स इन फाइनेंशियल कंट्रोलिंग। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये परवेसिव हेडिंग है, जहां जहां इंपॉर्टेंस पूछते हैं ना अपन ये हेडिंग लिख सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहां पर भी लिखेंगे कि जब आप प्लानिंग करते हैं तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, लेकिन यहां सिर्फ प्लानिंग नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, दैट्स वाई सिर्फ रिसोर्सेज नहीं लिखेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिखेंगे। और जब आप प्रॉपरली फाइनेंशियल प्लानिंग कर चुके हैं, यानी आपको जब जितना पैसा चाहिए उतना आपके पास है, तो आप फ्यूचर के लिए बेटर प्रिपेयर्ड रहते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, बेटर प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर। अब सारी चीजें अच्छी होगी तो ग्रोथ तो होगा ही, ग्रोथ भी आप सारे इंपॉर्टेंस में कॉमनली डाल सकते हैं, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेटर परफॉर्मेंस, ये कॉमन हेडिंग्स हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जनरली जहां जहां इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन है वहां वहां पर ये टॉपिक्स आप डाल सकते हैं।
सो दोस्तों 5 मार्क्स वाले भी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, इंक्लूडिंग इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन। लास्ट सेक्शन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर सेक्शन ई, जिसमें 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं और 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है सैम्पल पेपर में। कुल मिला के हमको अभी 5 क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं। 6 मार्क के क्वेश्चन हैं, आराम से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है, तो ऑब्वियसली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रिक्वायरमेंट से पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, केस भी बहुत छोटा ही दिया हुआ है केस स्टडी, और ये यहाँ से आपका रिक्वायरमेंट दिखाई दे रहा है। तो रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वाओ, क्वेश्चन बिकेम सिंपलिस्ट एज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपके सिर्फ 5 हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कुल मिला के आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ ये 5 को आइडेंटिफाई करने में होगा। केस स्टडी पढ़ते समय बस ढूंढेंगे क्या ये प्लानिंग है, क्या ये ऑर्गेनाइजिंग है, क्या ये स्टाफिंग है, क्या ये डायरेक्टिंग है, या ये कंट्रोलिंग है। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव एंड स्टेट द बेनिफिट्स। कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमने फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया तो बेनिफिट तो फिर लिख ही लेंगे। 6 मार्क का क्वेश्चन है, यानी आइडेंटिफाई करने का आपको 1 मार्क दिया जाएगा और आपको 5 इंपॉर्टेंस या 5 बेनिफिट्स लिखने होंगे। जब तक वो खुद नंबर्स नहीं देते हैं कि इतने लिखिए, तब हमको मार्क्स के हिसाब से डिसाइड करना होता है कि कितने हेडिंग्स लिखने हैं। यहाँ आइडेंटिफाई करने का आपको 1 मार्क दे दिया गया, तो ऑब्वियसली बेनिफिट में आपको 5 मार्क्स दिए गए हैं और नंबर्स नहीं लिखे हैं, यानी आपको 5 बेनिफिट्स लिखने चाहिए। अली मोहम्मद द CEO ऑफ सुपर लिमिटेड बिलीव्स दैट ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द फर्म। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स एम्प्लॉय। वो बिलीव करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है। ही बिलीव्स दैट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल अनलेस इट कैन फील एंड कीप इट फील्ड द वेरियस पोजिशन प्रोवाइडेड फॉर इन द स्ट्रक्चर विद द राइट काइंड ऑफ पीपल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर उन्होंने जॉब पोजिशन को फिलअप नहीं किया है, और सिर्फ फिलअप करना काफी नहीं है, एम्प्लॉयज को लाने के बाद उनको इतना हैप्पी रखना कि वो जॉब छोड़कर ना जाए, कीपिंग इट फील्ड। ये स्टाफिंग के डेफिनेशन में एक डेफिनेशन था, स्टाफिंग के बहुत सारे डेफिनेशन आपके बुक में दिए हुए हैं, उसमें से एक डेफिनेशन था स्टाफिंग मीन्स जॉब पोजीशन को फिलअप करना और फिर एम्प्लॉयज को इतना हैप्पी रखना कि वो बने रहें। ये केस स्टडी जो है वो आपको थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की तरफ लेकर जाता है, स्टाफिंग फंक्शन। यानी 1 मार्क आपको मिल जाएगा जैसे ही आपने लिखा द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन्ड इन द गिवन केस स्टडी इज स्टाफिंग। अब आपको स्टाफिंग के 5 बेनिफिट्स लिखने हैं। बहुत सिंपल है, स्टाफिंग का पहला बेनिफिट है फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। यानी कि जो रोल्स क्रिएट होते हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के बाद, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, उस स्ट्रक्चर के क्रिएट होने का और जॉब पोजीशन के क्रिएट होने का तब तक कोई मतलब नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वहां पर कॉम्पिटेंट पर्सनल को अपॉइंट किया गया सो दैट वो अपना परफॉर्मेंस दे सके फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सेकेंड, स्टाफिंग का मतलब यह नहीं है कि किसी भी जॉब पोजीशन में किसी को भी रख दिया, प्रॉपर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती है। यानी इससे सेकंड बेनिफिट ये है प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब पोजीशन। थर्ड जो हेडिंग है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्टाफिंग फंक्शन अच्छे से हुआ है, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो कॉम्पिटेंट है, एफिशिएंट है, और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो बाकी 4 फंक्शन है वो ह्यूमन रिसोर्सेज ही तो करते हैं, अगर स्टाफिंग अच्छे से होगा ना तो बाकी फंक्शन भी अच्छे से होंगे, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो फोर्थ हेडिंग लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि 2 ऑर्गेनाइजेशन जो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, हो सकता है फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज दोनों बराबर, दोनों के पास एक जैसे हो, लेकिन एक कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर के ऊपर विन ओवर कर सकता है, वो वाला ऑर्गेनाइजेशन दूसरे कॉम्पिटिटर के ऊपर विन ओवर कर सकता है जिसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज एफिशियंट होंगे। यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग फंक्शन अच्छे से की जाती है ना, वो अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर विन ओवर कर सकता है, दैट इज फोर्थ बेनिफिट, हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग। अभी अभी
क्वेश्चन नंबर 31 करते समय मैंने आपको बोला था कि जहां भी बेनिफिट या इंपॉर्टेंस बोला जाएगा वहां पर आपको लिखना है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो यहां भी लिख देंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन सिर्फ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं लिखेंगे, एज ए स्टाफिंग है तो ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करता है तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज लिखेंगे। अब इसके एक्सप्लेनेशन में सिंपली आएगा कि जब अपन स्टाफिंग करते हैं तो एस्टिमेट करते हैं कितना मैन पावर लगेगा और ना उससे ज्यादा रखते हैं ना कम रखते हैं, नो ओवर स्टाफिंग नो अंडर स्टाफिंग, तो जितने स्टाफ की जरूरत है उतना रखेंगे ना, तो वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होगा, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये 5 बेनिफिट्स ऑफ स्टाफिंग फंक्शन लिखा आपने, 1 आइडेंटिफाई करने का, 5 बेनिफिट्स लिखने का, आपका 6 मार्क्स के लिए 6 मार्क्स के लिए आपका आंसर रेडी हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, इसमें इंटरनल चॉइस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग इज योर चैप्टर नंबर 7, डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टिंग को डिफाइन करना है और 4 इंपॉर्टेंस लिखने हैं। अब ये क्वेश्चन ना ध्यान से देखिएगा, 6 मार्क का है और इंपॉर्टेंस सिर्फ 4 लिखने बोला है, यानी आपको इंपॉर्टेंस में 4 मार्क्स दिए जाएंगे तो मीनिंग के आपके 2 मार्क्स हैं, तो थोड़ा डेफिनेशन में ज़्यादा लिखना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, एक आध फीचर लिख दीजिए या कंपोनेंट्स लिख दीजिए, क्योंकि आपको 2 मार्क्स लेने हैं तो सिर्फ डेफिनेशन में आपको वो 2 मार्क्स नहीं देंगे। डायरेक्टिंग को एक्सप्लेन करेंगे, डायरेक्टिंग इज कंसर्न्ड विथ गाइडिंग इंस्ट्रक्टिंग सुपरवाइजिंग मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट्स बाय सुपीरियर टू अचीव द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सिंपल डेफिनेशन। दूसरा एक डेफिनेशन जो आप क्रिएट कर सकते हैं वो ये लिख सकते हैं, स्टाफिंग फंक्शन होने के बाद ह्यूमन रिसोर्सेज अपॉइंट तो हो सकते हैं लेकिन अगर उनकी बेस्ट एबिलिटी तक आपको काम करवाना है तो उनको प्रॉपरली सुपरवाइज करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको लीड करना पड़ेगा, दैट इज लीडरशिप, और उनको प्रॉपरली अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज कम्युनिकेट करने पड़ेंगे। कुल मिला के डायरेक्टिंग कंसिस्ट्स सुपरविजन मोटिवेशन लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, और कुछ फीचर्स लिख सकते हैं, इट इनिशिएट एक्शन एटसेट्रा। ये 2 मार्क्स के लिए आपको थोड़ा हाफ पेज एक्सप्लेन करना पड़ेगा डेफिनेशन और फीचर्स के साथ। अब इंपॉर्टेंस, डायरेक्टिंग से क्या क्या फायदा होता है, सिंपली डायरेक्शन के अंदर एक्शन वर्ड छुपा हुआ है, तो डायरेक्टिंग का पहला फायदा है कि स्टाफ रखने के बाद उनसे काम शुरू करते हैं अपन डायरेक्टिंग फंक्शन के बाद ही, तो पहला हेडिंग लिखेंगे टू इनिशिएट एक्शन, इसका पहला फायदा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू इनिशिएट एक्शन, वर्कर्स को स्टिमुलेट करना, डायरेक्ट करना, सुपरवाइज करना, उनको गाइड करना, उनको इंस्ट्रक्शन देना, ये हम डायरेक्टिंग फंक्शन से ही शुरू करते हैं। सेकेंड जो है टू इंटीग्रेट इंप्लॉयज एफर्ट, ऐसे एज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग लेवल में अलग अलग इंप्लॉयज काम करते हैं और सारे लोग अपना अपना काम करते हैं लेकिन हर वर्कर हर जॉब इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है, दैट्स वाई उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है, इंटीग्रेशन होना जरूरी है, और एक डायरेक्टर एक जो सुपीरियर है वो डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू ही उनके बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है। थर्ड जो है वो है मीन्स ऑफ मोटिवेशन, इसमें लिखेंगे डायरेक्टिंग फंक्शन का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना या इंस्ट्रक्शन देना नहीं होता है, इंप्लॉयज के अंदर ये फीलिंग डालना कि वो पार्ट ऑफ फैमिली है, उनको बिलोंगिंगनेस की फीलिंग देना, और ये वन कंपोनेंट इज देयर फॉर डायरेक्टिंग मोटिवेशन, जिसमें हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करके इंप्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, उनको पार्ट ऑफ फैमिली की फीलिंग देते हैं, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग देते हैं, तो डायरेक्टिंग के थ्रू हम ये मीन्स ऑफ मोटिवेशन है। और लास्ट जो है टू फैसिलिटेट चेंजेस, एज जब भी कोई नया चेंज आता है ना तो एक बार इंप्लॉई उसको हेजिटेट करता है कि नहीं यार इस चेंज को मैं एक्सेप्ट नहीं करता, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सारा काम मैनुअल तरीके से किया जाता है और मैनेजमेंट आई और मैनेजमेंट ने बोला कि अब हम लोग सारा काम कंप्यूटराइज करेंगे, तो जो वर्कर्स जो पुराने हैं वो बोलेंगे अरे यार कंप्यूटर में तो हमको काम करना नहीं आता, तो वो इस चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे, वो हेजिटेट करेंगे, तो यहां पर डायरेक्टर आएगा और उनको समझाएगा कि चेंजेस इज गुड नॉट ओनली फॉर ऑर्गेनाइजेशन बट फॉर बेटरमेंट ऑफ इंप्लॉयज ऑल्सो, एज आप जब कंप्यूटर सीख जाएंगे ना तो एक बार काम करेंगे और बार बार रिपीटेडली उसको यूज कर सकते हैं, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। जब वर्कर को ये बात समझ आ जाएगी ना कि ऑर्गेनाइजेशन को तो फायदा है ही, उन वर्कर्स को भी फायदा है, तो वो लोग उन चेंजेस को अडॉप्ट कर लेंगे ड्यू टू व्हाट, डायरेक्टिंग। तो ये डायरेक्टिंग के 4 इंपॉर्टेंस, और 2 इंपॉर्टेंस आपके बुक में दिए हुए हैं, उनमें उन 6 में से उन 6 इंपॉर्टेंस बेनिफिट में से कोई 4 जो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं वो सेलेक्ट करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें इंटरनल चॉइस है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, ये इसी चैप्टर में
एक कंपोनेंट है डायरेक्टिंग का, मोटिवेशन, तो उसका डेफिनेशन लिखना है, स्टेट द फीचर, आपको फीचर लिखना है, फायदे नहीं, फीचर, फीचर ऑफ मोटिवेशन, सो मोटिवेशन का डेफिनेशन। अब फीचर में नंबर्स नहीं दिए ना, तो आप इसको सेग्रीगेट कर लेंगे 1+5, आपको डेफिनेशन का 1 और फीचर्स के 5, यानी आपको 5 फीचर्स लिखने हैं। सबसे पहले मोटिवेशन, मोटिवेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन अंडर विच अ सुपीरियर मोटिवेट्स हिज एम्प्लॉय टू वर्क अप टू देयर बेस्ट एफिशियंसी बाई यूजिंग सम टूल्स नोन एज मोटिवेटर्स, एंड दोज टूल्स आर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफर्ड बाई मैनेजमेंट टू इट्स एम्प्लॉयज, दिस इज द डेफिनेशन। और इसके फीचर्स हैं, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेनन, मोटिवेशन में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, जैसे कोई वर्कर अच्छे से काम कर रहा है उसको बोलते हैं बहुत अच्छे, उनको अवार्ड देना, रिवॉर्ड देना, इंसेंटिव देना, ये पॉजिटिव मोटिवेशन है, लेकिन एम्प्लॉय को बार बार समझाने के बावजूद अगर वो काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो समटाइम्स उनको नोटिस देना पड़ता है, उनको मेमो देना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है काम अच्छे से नहीं करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, दिस आर नोन एज नेगेटिव मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के दो फीचर हो गए, दिस आर साइकोलॉजिकल, दिस आर इंटरनल फीलिंग, दिस आर पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। और जब आप किसी को मोटिवेट करते हैं तो उनके अंदर गोल जनरेटेड बिहेवियर जनरेट हो जाता है, तो इट जनरेट्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, किसी को मोटिवेट करना ईजी नहीं है, दैट्स वाई इसका फोर्थ फीचर है, मोटिवेशन इज कॉम्प्लेक्स और आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेट करना पड़ता है, तो मोटिवेशन इज कंटिन्यूअस। लास्ट फीचर जो आप लिखेंगे वो है मोटिवेशन इज डायनेमिक, एज मोटिवेशन करने का तरीका आपको रेगुलरली चेंज करते रहना पड़ता है, और जिसको चेंज करना पड़ता है उसको बोलते हैं डायनेमिक। दिस आर 5 फीचर्स, 33 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, सॉल्व हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन जिसमें इंटरनल चॉइस है, यानी अभी हमको 2 क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं, 34, ये भी एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, और फिर जब भी अपन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अपन रिक्वायरमेंट, यानी स्टार्ट फ्रॉम रिक्वायरमेंट, स्टार्ट फ्रॉम बॉटम, हम जब रिक्वायरमेंट जान जाते हैं ना तो केस स्टडी पढ़ते वक्त इजी हो जाता है कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन होगा। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फ्लोटेशन फॉलोड बाय द कंपनी, मेथड ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन दिया हुआ है, यानी चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट में हमने पढ़ा है कि कंपनी को जब फंड की जरूरत होती है ना तो वो मार्केट में लोगों से पैसा लेने जाता है, उसको बोलते हैं फ्लोटेशन करना। ऑल्सो नेम एंड एक्सप्लेन द अदर मेथड ऑफ फ्लोटेशन दैट कैन बी यूज बाई कंपनी फॉर रेजिंग फंड। यस, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 का है, फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से पैसा लाने के लिए कौन सा मेथड उन्होंने यहाँ पर केस स्टडी में यूज किया है वो आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके अलावा और कौन से मेथड्स होते हैं ये पढ़ना है। देखते हैं, कियाना अ ब्यूटी प्रोडक्ट ई कॉमर्स कंपनी इज डाइवर्सिफाइंग इन टू मैंस ग्रूमिंग, इट इज ऑल्सो टैपिंग द डिमांड फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट्स इन द फैशन इंडस्ट्री एंड अमीड प्रोफेशनल्स सच एज मेकअप आर्टिस्ट, एज इट डाइवर्सिफाइड इन टू ऑनलाइन प्रेजेंस, काइना इज ऑल्सो एक्सपैंडिंग इट्स फिजिकल प्रेजेंस, दे हैव 41 आउटलेट्स अक्रॉस 18 सिटीज प्रेजेंटली एंड प्लान टू एक्सपैंड टू 180 आउटलेट्स, ईच स्टोर रिक्वायर्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 60-80 लाख रुपीज, द कंपनी हैज डिसाइडेड टू रेस। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई, यहाँ तक तो कहानी किससे थे, कोई खास रिक्वायरमेंट के लिए उसकी खास जरूरत नहीं थी। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू रेस फंड by issuing equity share but not directly to the public, rather by offering them for sale through broker. Okay, so ये primary market का question है, और primary market में float करने के 5 तरीके हमने पढ़े हुए हैं। पहला तरीका है public issue through prospectus, second है offer for sale, थर्ड है प्राइवेट प्लेसमेंट, फोर्थ वन इज राइट इशू, एंड लास्ट वन EIPO, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। इन 5 में से इस कंपनी ने कौन सा तरीका यूज किया टू इशू इक्विटी शेयर? यहां पर लिखा है डायरेक्टली नहीं गए, जो पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस है उसमें कंपनी डायरेक्टली जाती है, तो ये बाहर हो गया। राइट इशू में भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास डायरेक्टली जाती है, इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ में भी डायरेक्टली जाती है। एक्चुअली ये 2 में से एक आंसर होगा, ऑफर फॉर सेल एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। अब इन दोनों में से डायरेक्टली टू द पब्लिक रेदर बाई ऑफरिंग देम फॉर सेल थ्रू ब्रोकर ऑफर्स, इसका इस क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट का आंसर है ऑफर फॉर सेल। एज ऑफर फॉर सेल में हम एक इंटरमीडियरी का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रोकर, और यहां पर लिखा हुआ है ब्रोकर। क्या करती है कंपनी?
पहले कंपनी ब्रोकर को देती है फेस वैल्यू पर, और ब्रोकर क्या करता है, थोड़ा अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ करके थोड़ा ज्यादा में पब्लिक के पास जाता है। यानी कि द मेथड यूज्ड बाय दिस कंपनी इज ऑफर फॉर सेल, ये आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, जो अदर है वो 4 है, यानी बाकी पर आपको 4 मार्क्स है। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के 1 मार्क और एक्सप्लेनेशन के, ऑफर फॉर सेल को एक्सप्लेन करेंगे तो 1 मार्क। सिंपली कुछ नहीं करना है, ऑफर फॉर सेल में कंपनी पब्लिक के पास डायरेक्टली नहीं जाती है, यहाँ पर पब्लिक तक जाने का 2 स्टेप होता है। फर्स्ट कंपनी सेल्स इट्स इक्विटी शेयर और सिक्योरिटीज टू अ इंटरमीडियरी नोन एज ब्रोकर एट फेस वैल्यू। एंड व्हाट ब्रोकर डज, ब्रोकर थोड़ा एक्स्ट्रा थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर थोड़े बढ़े हुए प्राइस में पब्लिक के पास जाती है, यानी इनडायरेक्टली जाती है, ये है ऑफर फॉर सेल। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट भी डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, तो क्या डिफरेंस है ऑफर फॉर सेल और प्राइवेट प्लेसमेंट में? प्राइवेट, प्राइवेट वर्ड से अपन समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ खास लोगों को शेयर्स प्लेस किए जाते हैं, यानी कुछ खास लोगों को शेयर अलॉट किए जाते हैं। इसमें भी एक इंटरमीडिएट होता है, कंपनी इंटरमीडियरी को शेयर्स दे देती है, और वो इंटरमीडियरी क्या करता है, कुछ प्राइवेट कुछ खास लोगों को, वो खास लोग होते हैं LIC, GIC, UTI, म्यूचुअल फंड कंपनीज एटसेट्रा, इन लोगों को शेयर अलॉट कर देती है। बस इतना ही है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। ऑफर फॉर सेल में ब्रोकर जो इंटरमीडियरी है वो पब्लिक के पास जाता है, और प्राइवेट प्लेसमेंट में जो इंटरमीडियरी है वो पब्लिक के पास ना जाके कुछ सेलेक्टेड क्लाइंट्स के पास जाता है, वो क्लाइंट्स होते हैं LIC, GIC, UTI एटसेट्रा। अब बचे हुए 3, पब्लिक इशू थ्रू प्रॉस्पेक्टस, कुछ नहीं है, कंपनी प्रॉस्पेक्टस छाप देती है पब्लिक को इनवाइट करने के लिए, परसुएड करने के लिए और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब इन्फॉर्मेशन क्या देती है, कंपनी अपना पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बताती है कि पास्ट में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके से बढ़ी है, प्रेजेंट में क्या पोजीशन है और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। इसके अलावा पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए वो ये बताती है कि जो वो पैसे फंड जो रेज कर रही है उसका पर्पस क्या है, वो कौन से प्रोजेक्ट में लगाएगी। प्रॉस्पेक्टस को पब्लिक पढ़ती है, इन्वेस्टर्स पढ़ते हैं, अगर वो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये है पब्लिक इशू थ्रू प्रॉस्पेक्टस। जो अगला है वो है राइट इशू। राइट इशू क्या है, ये एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए ही होता है जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। जब जब कंपनी, ये कंपनीज एक्ट 2013 का लॉ है कि जब जब कंपनी नए एग्जिस्टिंग शेयर इशू करेगी ना, तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का प्रियम्प्टिव राइट है, उनको पहले ऑफर देगी, सो दैट उनका पावर डाइल्यूट ना हो, उनका जो वोटिंग पावर है, जो कंट्रोलिंग पावर है, उसकी वॉटरिंग ना हो, यानी उनका कंट्रोल कम ना हो, उनको पहले एक प्रपोजल में ऑफर दिया जाएगा। वो अगर शेयर में इंटरेस्टेड है तो ठीक, अदरवाइज पब्लिक शेयर के लिए सब्सक्राइब करेगी। इसको बोलते हैं राइट इशू। लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। यहां पर कंपनी एक ब्रोकर, एक रजिस्टर्ड ब्रोकर को अपॉइंट करती है जो सेबी में रजिस्टर्ड होता है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ऑनलाइन पब्लिक के पास जाती है। वो ब्रोकर क्या करता है, ऑनलाइन कंपनी के बिहाफ में ऑनलाइन अलॉटमेंट ऑफ शेयर, लोगों का एप्लीकेशन लेना, एप्लीकेशन मनी लेना, पेमेंट लेना, और शेयर का अलॉट भी सारा ऑनलाइन होता है। दैट्स व्हाई यहां पर देखिए वर्ड भी यूज किया गया ई, इलेक्ट्रॉनिक, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज कॉल्ड EIPO। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 34। जो आइडेंटिफाई किया है वो है ऑफर फॉर सेल, और उसके अलावा जो 4 है वो है पब्लिक इशू थ्रू प्रॉस्पेक्टस, फर्स्ट, सेकंड प्राइवेट प्लेसमेंट, थर्ड राइट इशू, एंड लास्ट वन इज EIPO, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 का जो ऑप्शन है ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो फिर से यहां पर रिक्वायरमेंट से पढ़ना शुरू करेंगे। ए और बी दो पार्ट में रिक्वायरमेंट बटा हुआ है। आइडेंटिफाई द स्टेप इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ग्रेट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब शेयर्स खरीदे जाते हैं, ट्रेडिंग प्रोसीजर की जाती है, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, ब्रोकर सेलेक्ट करना, डीमेट अकाउंट ओपन करना, ऑर्डर एग्जीक्यूट करना, कॉन्ट्रैक्ट नोट बनवाना एटसेट्रा। तो इस केस स्टडी में कौन से स्टेप्स हैं वो आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद स्टेट द नेक्स्ट 4 स्टेप। याद रखिएगा, आपने अगर स्टेप गलत आइडेंटिफाई किया तो नेक्स्ट 4 स्टेप भी आपके गलत हो जाएंगे। फर्स्ट का 6 मार्क का टोटल क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट ए का, ए पार्ट का आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और बी पार्ट में आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 6 मार्क का एक क्वेश्चन है। आपको इस केस स्टडी में सिंपली जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स का मतलब कम से कम 2 तो होंगे ही, वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, और उसके अगले 4 आपको फिर लिखने हैं। केस स्टडी पढ़ना शुरू करते हैं। राधिका गॉट 10 लाख रुपीज आफ्टर सेलिंग हर पेरेंटल प्रॉपर्टी विच सी हैड गॉट एज अ गिफ्ट फ्रॉम हर ग्रैंड मदर।
10 लाख रुपीज उसके पास आ गए हैं। हर फ्रेंड एडवाइज्ड हर टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज इन द स्टॉक मार्केट। उसकी फ्रेंड ने बोला स्टॉक मार्केट में आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कीजिएगा। राधिका वॉज अनअवेयर ऑफ द प्रोसीजर फॉर द सेम। कैसे इन्वेस्ट करते हैं राधिका को नहीं पता है। हर फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड हर टू अ स्टॉक ब्रोकर। उसकी फ्रेंड उसको लेकर गई और एक ब्रोकर से उसको मिलवा दिया कि इसके थ्रू तुम ट्रेड कर सकते हो, सिक्योरिटीज का लेन देन कर सकते हो। हु वॉज रजिस्टर्ड विथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऑब्वियसली ब्रोकर का रजिस्टर्ड होना जरूरी है सिक्योरिटीज के लेन देन के लिए। राधिका अप्रोच्ड द ब्रोकर। द ब्रोकर गाइडेड हर टू ओपन अ डीमेट अकाउंट विथ अ डिपॉजिटरी। डीमेट अकाउंट, डीमेटलाइज्ड अकाउंट, एज वेल एज अ बैंक अकाउंट। डीमेट अकाउंट में शेयर को डीमेटलाइज्ड फॉर्म में रखेंगे और बैंक अकाउंट के थ्रू पैसों का लेन देन होगा। राधिका ओपन्ड अ बैंक अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट। ये केस स्टडी खत्म हो गया। अब आइडेंटिफाई द स्टेप इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज विच हैव बीन डिस्कस्ड अबव। स्टेप्स, इसमें दो स्टेप है। एक उसने ब्रोकर सेलेक्ट किया, सेलेक्शन ऑफ ब्रोकर, और सेकेंड स्टेप ओपनिंग डीमेट अकाउंट विथ डिपॉजिटरी वाया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये दो स्टेप अपने आइडेंटिफाई कर लिए। अब आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो गया। अब या तो आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, यानी आपको ऑर्डर प्लेस करना होगा। कुछ नहीं है, आप ऑनलाइन ब्रोकर के साथ अपने कनेक्टेड होंगे। आप ब्रोकर के पास ऑर्डर प्लेस करेंगे, यानी ब्रोकर को बोलेंगे मेरे बिहाफ में इतने शेयर खरीद ले या बेच दे, प्लेसिंग एन ऑर्डर। अब ब्रोकर क्या करेगा, मान लीजिए आपने बोला कि आप 100 शेयर्स रिलायंस के खरीदना चाहते हैं, तो आपका ब्रोकर ऐसे इन्वेस्टर को ढूंढेगा जो 100 शेयर्स रिलायंस के बेचना चाहता है और आपका प्राइस उसके प्राइस से मैच कर रहा है। आप जितने में खरीदना चाहते हैं उतने में सामने वाला बेचने को तैयार है। कुल मिला के वो ऑर्डर मैच करने का काम करेगा, मैचिंग द ऑर्डर। अब बेचने वाले और खरीदने वाले का ऑर्डर मैच हो गया तो क्या करेंगे, अपन ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, यानी दोनों के बीच में ऑनलाइन सारा काम होगा। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर यानी लेने वाले को शेयर लेने की बात बोलेंगे, देने वाले के, दोनों के बीच में मिडिलमैन का काम कर रहा है ब्रोकर, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। दोनों ही बायर और सेलर को यह बात समझ आ गई कि शेयर लेना और बेचना है, तो अब एक कॉन्ट्रैक्ट नोट तैयार किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट इज सिक्स्थ हेडिंग। आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ट्रेडिंग प्रोसीजर के कौन से स्टेप्स इस केस स्टडी में हैं, तो वो दो स्टेप्स हैं जो केस स्टडी में दिए हुए हैं। उसने ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया है, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, और डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है। इसके अगले 4 स्टेप आपको याद करके, रिकॉल करके लिखने हैं कि डीमैट अकाउंट ओपन होते ही आप क्या करते हैं, आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। फिर आपका ब्रोकर क्या करता है, आपके लिए मैचिंग ऑर्डर ढूंढता है, मैचिंग द ऑर्डर। फिर अगर मैचिंग ऑर्डर मिल गया तो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करके कॉन्ट्रैक्ट नोट बनवा देता है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन। 6 मार्क्स के लिए आपको 2 आइडेंटिफाई करने हैं और 4 नेक्स्ट स्टेप लिखने हैं। याद रखिएगा, अगर ये सीक्वेंस आपने ऊपर नीचे कर दिया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। दैट्स व्हाई जहां स्टेप्स होते हैं वहां सीक्वेंस फॉलो करना कंपलसरी है। इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, फीचर्स में आप ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन स्टेप्स में आपको इंपॉर्टेंट है कि उसमें सिक्वेंस फॉलो करके ही आप हेडिंग्स दिखेंगे। अगर आपने सिक्वेंस ऊपर नीचे किया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका CBSE का सैंपल पेपर जो हम लोगों ने सॉल्व किया। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने अपने हाथों से पूरा पेपर सॉल्व किया है। उससे आप सीखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर को कैसे प्रेजेंट करना, हेडिंग्स को कैसे लिखना, कीवर्ड्स को कैसे हाईलाइट करना, कितना लिखना, सो दैट आपका टाइम प्रॉपरली मैनेज हो सके। तो इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा, प्लीज़ इसको देखिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ आया हो, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। वी आर हैविंग एक्सपर्ट्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। अगर आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज में भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है और आप उसका वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वी विल प्रोवाइड यू क्लासेस फॉर पर्टिकुलर टॉपिक्स एज वेल। थैंक यू दोस्तों, आप इतने देर मेरे साथ बने रहे, इसके लिए थैंक यू। बींग अ गुड लिसनर।